देना ना दे। अच्छा दब के हो इंदा देख ये चाय एनो बस कर आया एंड जस्ट डिलीटिंग एवरीथिंग और हो सके तो डीपल 22 ग्रुप चेक वाली शेयर आई डोंट नो हु इज बैटिंग सो आई एम जस्ट गोना राइट व्हाट मैं तो पूरा भी नहीं देखता बेवकी कैप्टर्स देखना है तो बेवकी कैप्टर्स दिस स्लैश दिस आफ्टर दिस मेनी ओवर बस तो ओवर नंबर एडिट करना है तो नंबर और वो विकेट चला जा चलो और उसके बाद करके आज इन डन करना रहेगा ता ही टेक्स्ट आऊगा ठीक है ऊपर आ जाओ ना और इन तू सेंटर कितने भी सेट कर सकता है ओके 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 समझ गया टच करके ठीक समझ गया इतने दब के एडिट हो जाए ना हो जाने बस ओके ओके इधर आ गया जब हो जाऊगा तो फिर स्क्रीन चेक क्लिक करिए डन आ जाऊगा ठीक है ठीक है ठीक है जस्ट लीव इट लाइक दिस राइट नाउ मैं तुम्हें दस देना टॉस कौन जीतता बस वो टाइप कर दी ठीक है ठीक है ओके वन द टॉस एंड चूज टू व्हाटएवर ओके मिस्टर देवांश एक कुर्सी ले आओ देवांश ओए दो कुर्सियां ले आओ यार आप हां चेयर लेके आता हूं एक शेर की भी है गद्दी में अगर चाहिए तो दो है के कहते ले आ फिर आजा आजा जी हां हाँ यार आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में शुक्रिया शुक्रिया जी आप सिरा ला देना है जी हाँ बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल माइक में ले सारे लोग साथ माइक माइक में करनी है और की मजा आएगा सबको हंसाएंगे मजा आएगा पूरा अभिजीत खोत को बोल देना यार हमारी कमेंट्री सुने वो भी और यार आप इसीलिए आए हो स्पेशल आज हाँ जी कल पे वेले ही थे लगता है हाँ भाई बहुत वेले था अच्छा यार नहीं जे का मैच देखने आया था वो यार जेला भाई के सरा फैन हो यार आप लगता है यार भाई बॉलर प्लेयर ही तगड़ा इतना सिरा तो करा ही देते ना वो यार फिर की हुआ फिर दिल्ली था दिल्ली अरे बुंड मरा गए पेंचो ओवर रेटेड टीम है बे हार गई दिल्ली 32 ते 9 ते 32 चाहिए दे लाउने हैं अब तो दे ना यार माइक 200 पॉइंट कितना मिल गए टीम बना माइक हमें भी दिखाओ यार हां यार ये थोड़ा ऑन कर लो यार इसे यार जी हां यहां पे अच्छा वे मिले चावला जी हेलो 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 स्वागत है हेलो 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 1 2 3 1 2 3 पाजी ने पूछे कौन टॉस जीता हम नहीं कहने सॉरी ये स्वागत करते हैं आप सभी का ये एक खूबसूरत दिन है आज अच्छी धूप लगी हुई है अच्छी धूप लगी हुई है और हमारे साथ बैठे हैं हमारे साथी अमनदीप एस चहल
जी हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत है DPL में, दूसरा दिन। सामने करके बैठो कि इसको चेंज। कौन टॉस जीतते हैं भाई? बेवर क्रीक रैप्टर्स वॉन द टॉस एंड चोज टू बोल। अभी अभी एक खबर आई है कि बीवर क्रीक रैप्टर्स ने टॉस जीता और बॉलिंग को चुना है। काफी देखने को मिल रहा है कि पहले मैच में सब लोग बॉलिंग ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो घास पे थोड़ा नमी रहती है ना, तो उसी वजह से आज भी बॉलिंग चुना बीवर क्रीक रैप्टर्स ने। क्या कहेंगे आप, ये अच्छा डिसीजन? जी हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है कप्तान यक्ष राठौड़ द्वारा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा है बहुत ही नमी है। इसी ये नीचे आएगा जो भी कर रहा तुम दोनों, इसको जहाँ चाहे मैं सेंटर में रख दे रहा हूँ, एक बार सेंटर लैंड हो गया, थोड़ा सा जूम करके रख, ये जूम हो जाएगा राइट। सो अपने हिसाब से जूम कर लेना, बॉल कहीं जाए। और ये लाइव कमेंट किधर आता है? लाइव कमेंट इसी में आता रहेगा, ये यहाँ पे दिखेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि वो कोई बोलेगा हाँ, तो जवाब इट विल बी कमिंग हियर ऑल द लाइव कमेंट। इसको शेयर कर लो DPL 22 वाले ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स हैं, सो दैट पीपल कैन जॉइन एंड देन यू कैन कनेक्ट विद। हां अभी शेयर कर दो है ना, तो लाइव लिंक सबके पास आ जाएगा। ये इधर से करना है निकाल के? क्या चीज शेयर अपने फोन से? नहीं नहीं ये फोन से, वो YouTube में सर्च करो ये लाइव लिंक और उसको DPL 22 में डाल दो, बस बात खत्म। दैट शुड बी गुड। एंड यहाँ पे स्कोर बस टाइप करते रहना एक बंदा। ओके ओके, हर ओवर के बाद ना? हाँ हर ओवर के बाद। ओके जैसे बेवर के क्राफ्टर्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 0 आफ्टर 2 ओवर्स, उसके बाद से तुमको एक बार डाल दो डिजिट से चेंज करना। हम बहुत समझ गए है ना, तू कर लेना फिर अपने। फ़ोन का ध्यान रखना, इसी से हॉटस्पॉट है। ठीक है भाई, बोल दे जल्दी फील्ड लगाए मीन 5 मिनट। एक खास दरख्वास्त है बीवर क्रीक रैप्टर से कि 5 मिनट के अंदर अंदर फील्ड लगा ले आप, ताकि मैच टाइम पे शुरू हो जाए। क्या कहना है अमनदीप, आप भी? जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, देखना होगा कौन आज बाजी मारता है इस मैच में। वन प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम बोथ द टीम्स। डीमंस में कहूंगा विदाउट एनी डाउट मिश्रा जी, प्रभाजन मिश्रा। रैप्टर्स में कहूंगा राज कंबोज, क्योंकि बहुत ही तगड़े फॉर्म में है वो। मेरे ख्याल में उनके 192 रन है 5 इनिंग्स में, तो डीमंस जरूर चाहेगी कि उन्हें जल्द से जल्द आउट करे ताकि उनका मौका बने। बिल्कुल सही, राज कंबोज जो कि लीडिंग रन स्कोरर है और शेर की तरह बैटिंग करते हैं, इनका विकेट बहुत ही जरूरी होगा। और दूसरी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि जयला पटेल जो आज वापसी करते हुए कल बहुत ही अच्छा खेले, लेदर बॉल में अच्छी गेंदबाजी, और यहाँ पे देखते हुए कि वार्म अप भी कर रहे हैं वो, तो ये भी अच्छा गेंदबाज है, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, जय पटेल, जय पटेल पॉकेट साइज डायनामाइट, बहुत ही तगड़ी लाइन लेंथ हिट करते हैं, फंसाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी वो वार्म अप में ही लगे हुए हैं, मतलब उनका डेडिकेशन देखिए आप, खतरनाक गेंदबाज है ये, बहुत ही ललचाते भी है ये ललचाते हुए ये विकेट ले लेते हैं, पता भी नहीं चलता कब विकेट लेंगे। और इनको थोड़ा देख के खेलना होगा आज, देखिए कितना एक्साइटेड लग रहे हैं आज सब लोग, क्योंकि धूप निकला हुआ है, अरसे हो गए थे धूप देखे हुए, और आज बहुत ही खूबसूरत दिन। DPL तो पाइए यार, लेंथ पहला लाइव आया नहीं यार, लाइव ही नहीं आला यार। यहाँ पे रैप्टर्स कम ऑन करती हुई चीयर कर दिया है, फील्ड में आ गई है, अभी इंतजार है तो सिर्फ बल्लेबाज का।
बल्लेबाजी में लग रहे हैं कप्तान हेमंत भाई खुद। और साथ में कौन है? साथ में मेरे हिसाब से रहेंगे, देखा जाए तो बल्ला हाथ में चेतन के भी है और दूसरी तरफ प्रकाश के हाथ में भी है, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन उनका साथ निभाने आएगा। पर एक बात तय है कि अपने हेमंत भाई ओपनिंग में जा रहे हैं, दूसरा पता नहीं है। तो आइए जानते हैं थोड़े समय में। और आज के हमारे अंपायर है सुरजीत पाजी और मोहित यादव। साले पासवर्ड की है, ये है पासवर्ड किसका, किधर फोन है पता नहीं। इत की करना स्कोरिंग। हाँ कुछ ही। सुरजीत पाजी पासवर्ड, फोन का पासवर्ड बता दीजिए, यह हमें स्कोरिंग करना है। हमने लग रहा है हेमंत भाई नहीं आए हैं। तो ये क्या देखा हमने, बल्ला तो हेमंत पटेल के हाथ में पकड़ा था और आया कोई और, ये रणनीति भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेमंत भाई एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो हर प्रकार की सिचुएशन में खेले हुए हैं, तो शायद ये मौका भी दे रहे होंगे, शायद जानना चाहते है। जी हाँ, यहाँ पे देखते हुए कि जयला पटेल कमेंट्री बॉक्स की तरफ आते हुए क्या परफॉर्मेंस दिया इन्होंने कल, और आज भी ये तगड़े फॉर्म में होंगे, इनसे बचना होगा। कैसे हो जयला भाई आप, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स ऑफ डीपीएल 2022। वेरी नाइस। यहाँ पे राज कंबोज कवर्स पे खड़े हुए हैं तगड़े, और यहाँ पे वत्सा पटेल खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ये हर ओवर में विकेट ले ही लेते हैं। अभी तक डीपीएल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, इकोनॉमी रेट बहुत ही ज्यादा लो और विकेट्स बहुत ही ज्यादा हाई है इनकी, तो मेरे ख्याल से संभाल के खेलना ही चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज लगता है यार संयम गोयल जी को नहीं हमने देखा अभी तक, क्या वो खेल रहे हैं कि नहीं, हमें तो नहीं दिख रहे, पता नहीं। Why is संयम गोयल drop from Beaver Creek Raptors? ये सवाल है हमारा। जी हाँ हैरान हूँ मैं भी, क्योंकि बहुत ही तगड़े हिटर है वो जैसे आंड्रे रसल है कोलकाता नाइट राइडर्स के, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के, वो है संयम गोयल बीवर क्रीक रैप्टर्स के, और ये बहुत ही तगड़ा सवाल रहेगा हमारा, कप्तान से जरूर पूछना चाहेंगे ये यक्ष राठौड़ से आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स की, वो ड्रॉप्ड है या इंजर्ड है। ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल आपने रख दिया है अमन, आइए मैच की तरफ रुख मोड़ते हैं। बल्लेबाज रेडी, बॉलर ने रन अप भी ले लिया है, हाथ में बॉल भी है। कम ऑन फ्रॉम बीवर क्रीक रैप्टर्स, फर्स्ट बॉल ऑन पॉइंट फ्रॉम वत्स पटेल, ओनली अ सिंगल। बहुत ही खूबसूरत गेंद, ये अच्छा बॉल, अच्छे बॉल से स्टार्ट किया डाउन द लेग, एक ही रन के लिए, ये अच्छा गेंद है। यहाँ पे दूसरे गेंद के साथ आएंगे वत्सा पटेल, देखिए क्या गेंद है वो, राज कंबोज के हाथों में सिंगल चुराने की कोशिश है, इस बार बचे जरूर, पर क्या कहेंगे आप, अगली बार इनको थोड़ा बच कर रहना चाहेंगे कि सीधा रन ले। जी हाँ, ये ऑलमोस्ट एक सुसाइडल रन जैसा लगा, लग रहा है बैट्समैन वाज इचिंग टू गेट ऑफ द स्ट्राइक, इवन दो इट वाज हिज फर्स्ट डिलीवरी, ही वाज इचिंग टू गेट ऑफ स्ट्राइक, एंड द रीजन इज बिकॉज वत्सा पटेल इज इन ग्रेट टच।
और नंबर थ्री। It's a low full toss straight to the fielder, well fielded from Raj Kamboj. यहाँ पे डॉट बॉल आता हुआ है, यही इसी चीज के लिए जाने जाते हैं वर्षा पटेल। लाइनर लेंथ पूरा सटीक डालते हुए यहाँ पे देखा, नॉर्मली ये पहले ही ओवर में विकेट ले लेते, क्या आज भी ये विकेट लेंगे अपनी टीम के लिए, क्या कहेंगे आप? जी जिस प्रकार से इनका टूर्नामेंट गया है सो फार, बाय द वे दैट्स अ डॉट बॉल अगेन, मुझे जरूर लगता है कि विकेट तो आ रहा है पर देखते हैं। ओ हो एज क्रिएट कर दी, वाह रे वाह। यहाँ पे बैट्समैन अपील करता हुआ कि ये डेड बॉल था, पर ये जो अंपायर है ना, ये बहुत ही अच्छे अंपायर है। ऐसे नहीं दे देते, इनकी निगाहें हैं जो ये बाज की तरह निगाहें हैं इनकी, ये तो देखते हैं ना। आखिरी गेंद के साथ बढ़ते हुए वर्षा पटेल, और बहुत ही अच्छा ओवर, जैसे कि हमने बात की थी इनकी इकोनॉमी की, इकोनॉमी की। और देखिए पहले ओवर में दो ही रन, इसीलिए जाने जाते हैं वत्सा पटेल। बहुत अच्छी गेंदबाजी वत्सा पटेल के द्वारा। अभी देखते हैं कप्तान किसकी ओर रुक करते हैं सेकंड ओवर के लिए। ये तो कप्तान खुद ही है, राठौड़, यक्ष राठौड़। Taking the responsibility very well, the captain himself is bowling the second over. Coming left arm round. First ball nicely flicked onto the leg side by Chetan. Good delivery, but an equally good shot. One run. Oh, what a beauty from the captain, skipper. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि संयम गोयल के बारे में पूछना चाह रहे थे, यहाँ पर संयम गोयल हिमसेल्फ कमेंट डालते हुए कि पंजाबी में कमेंट्री करो, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वजह रही जो आज ये खेल नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? लेकिन बहुत ही ऊपर गया और साहिल शाह थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे बॉल देख के। यहाँ पे यक्ष राठौड़ दूसरा ओवर डालते हुए, यूजली हम इनको देखते हैं कि थोड़ा पुराने गेंद से अच्छा डाल देंगे, पता नहीं ये थोड़ा रणनीति में चेंज या कुछ करने की जरूरत, यहाँ पे शायद विकेट लेना चाहते हैं, अगर विकेट ले लेंगे ऊपर से एक दो तो बहुत ही दबाव बन जाएगा डीमंस के ऊपर, शायद वही कोशिश। जी हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं। ओह व्हाट अ जैप ऑफ अ डिलीवरी फ्रॉम द कैच, तगड़ी बॉल डाली है, बल्लेबाज को समझ ही नहीं आई, स्लॉग करना चाहते थे लेग में पर बॉल गई ऑफ में। ओहो, नचाते हुए बल्लेबाज को, क्या बॉल है, नहीं ऐसा बंदा कंफ्यूज ही कर देता है, इतने सालों से जमा हुआ है कोई जान ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही, बहुत ये टेनिस गेंद को तो ऐसे लहराते हैं। और यहाँ पे एक और डॉट गेंद, कोई क्लू नहीं है यहाँ पे, और दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ और यहाँ पे डीमंस का स्कोर 6 पे बिना नुकसान। छे छह रन
बिना किसी नुकसान दो ओवर के बाद डेटन डीमन्स शुरुआत यहाँ पे डेटन डीमंस के द्वारा 6 रन बिना नुकसान। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर, थोड़ा रन जरूर बनाना चाहेंगे इस ओवर में। 10-12 रन का ओवर आ जाए तो ये जो दबाव थोड़ा सा बना हुआ है ये पूरी तरह से हट जाएगा। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आखिरी ओवर है तो बिल्कुल अटैक करना चाहेंगे बैट्समैन, पर संभालना भी चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि बिना नुकसान के खेल रहे अभी डेटन डीमन। और हम देख भी रहे हैं कि जो बॉलर आ रहा आएंगे, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक एक ही ओवर में 2 ही रन दिए बस, दूसरा ओवर लेके आते हुए क्या इस ओवर में विकेट लेंगे? जी मुझे तो लग रहा है विकेट लेंगे, क्योंकि ही इज अ बॉर्न विकेट टेकर इज वत्स पटेल। ओहो हो हो, क्या बॉल डाल दी, स्टीक लाइन लेंथ है, सटीक लाइन और लेंथ का प्रदर्शन इधर वत्सा द्वारा। यहां तो हिलने ही नहीं दे रहे बल्लेबाज को, जबरदस्त तगड़ी फॉर्म में बॉलिंग कर रहे वत्सा। लो फुल टॉस आउटसाइड ऑफ, नाइस फॉर अ लिटिल बिट बट सेफ फॉर 1 रन। 3 गेंद हो चुके हैं, फिर अभी तक एक ही रन इस ओवर में भी, यहां पर 3 गेंद बाकी, थोड़ा रन बटोरना चाहेंगे डेटन डीमंस। ओ व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक? बहुत ही तगड़ा शॉट मारा, एक्स्ट्रा कवर पे मारना इतना आसान नहीं होता, और इन्होंने एफर्टलेस मार दिया है चेतन। वाह 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 वाह, यही कहना चाहेंगे हम, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे चेतन के द्वारा, और बाउंड्री डेटन डीमंस के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए स्कोर में। और यहाँ पे पूरी तरह से दबाव में देखते हुए बहुत ही बड़े बॉलर वत्सा पटेल, थोड़ा वाइड रखना चाह रहे थे पर ये डेड बॉल। सॉलिड डिफेंस चेतन के द्वारा, ये समझदारी से बैटिंग करते हुए, पता है कि एक बाउंड्री आ चुका है, अपना विकेट नहीं देना चाहेंगे यहाँ पे। अच्छी तरह से खेला बिना किसी रन के लिए आखिरी गेंद ओवर का। यॉर्कर, ये देखिए क्या सटीक यॉर्कर, कोई रन नहीं इस बॉल पे, और यहाँ पे अपना दूसरा ओवर समाप्त करते हुए 3 ओवर के बाद डेटन डीमंस का स्कोर हुआ है 11 पे बिना किसी नुकसान। ठीक ठाक स्कोर कहेंगे हम इसे, 3 ओवर आपने पावर प्ले के निकल गए पर आपके अभी तक 11 ही रन हुए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे। और ये क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम? वाह, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, इस टूर्नामेंट में राज कंबोज अपनी पहली झलक दिखाते हुए गेंद के साथ बाजुए हिलाते हुए, क्या खाया इन्होंने कल रात? लग रहा है शिकार किया है तगड़ा शेरा ने। आ गए हैं अपनी पहली ओवर डालने इस टूर्नामेंट की, प्रकाश जायसवाल ऑन स्ट्राइक। ओ माय गुडनेस, ही टुक द विकेट। ओह दैट्स अ हेल ऑफ अ विकेट, पहली गेंद पे विकेट लिया यहाँ पे अपने कप्तान को दिखाते हुए कि वो विकेट टेकर क्यों जाने जाते हैं। आज उनको पहला मौका दिया और पहली गेंद पर विकेट ले लिया, क्या बात।
आप आ जाइए पीछे। हाँ That's Raj Kamboj for you। एक लाइन कहना चाहूंगा, भाग 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 आया शेर, आया शेर। बिल्कुल सही कहा आपने, भाग 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 आया शेर, आया शेर। कौन है नेक्स्ट वन? अरुण डंडेला। अरुण डंडेला, अरुण डंडेला आए हैं वन डाउन, जो कि बहुत ही क्रूशियल क्रूशियल पोजीशन होती है किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए। आइए देखते हैं क्या जलवा दिखाते हैं अरविंद आज। सामने है राज कंबोज, पहली ही बॉल पे विकेट लेते हुए, अभी देखते हैं दूसरी बॉल के लिए क्या डालेंगे वो। मेरे हिसाब से ये यॉर्कर डालेंगे, क्योंकि ये यॉर्कर के लिए जाते हैं जब विकेट लेते हैं, तो इनका यॉर्कर भी काफी सटीक रहता है। तो देखते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पे, शायद वो कमेंटेटर को सुन पाए, यॉर्कर के लिए जाए सीधा स्टंपों में और यहाँ पे डंडा निकाल सकते हैं बाहर, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये षड्यंत्र रचा था उप कप्तान उर्विश पटेल ने, उन्होंने कॉल भी किया था पहले बॉल पे विकेट। जी हाँ ये और देखिए लाइनल लेंथ, देखिए पूरा सटीक लाइनल लेंथ अरुण डंडेला यहाँ पे देखते हुए पिच की तरफ कि शायद ये कहाँ कहीं पे लगा, क्योंकि इनका बॉल अंदर को भी घूमता है, तो वो देखते हुए कि ये कैसे बॉल डाल रहे हैं। तीसरी गेंद है, जो हो एक मौका था, फिर से एक मौका था, नाइस अटेम्प्ट बाय पाजी, पर चिपकी नहीं गेंद हाथों में। यहाँ पे राज कंबोज की तारीफ करना चाहूंगा मैं, क्योंकि रैप्टर्स में यही एक बल्लेबाज है जो कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और आज इन्होंने गेंदबाजी भी हाथ में ले ली है, तो मतलब ये प्योर ऑलराउंडर बन चुके हैं आज। जी हाँ बिल्कुल, और ये क्या जबरदस्त जबरदस्त बॉलिंग डाल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कीपर भी नहीं समझ पा रहे इनकी लाइन लेंथ। यहाँ पे कमेंट आता हुआ अभिजीत खोद का, एवरी नाइस कमेंट्री, ये बहुत ही अच्छा कमेंट्री, और यहाँ पे बाय का इशारा अंपायर सुरजीत पाजी के द्वारा। कितने लिए, दो 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 दो, हाँ, दो, दो, दो। और रॉनी चैटर्जी बहुत बढ़िया कमेंट्री, जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए जाने जाते हैं हमारे दोस्त देवांश पटेल। मौका, फिर से मौका बनाते हुए अपनी टीम के लिए, फील्डर अगर थोड़ा सा फाइन और होता तो लग रहा है लपक लेते सिंगल। जी हाँ यहाँ पे राज कंबोज सोचते होंगे कि अगर मैं ही वहां पे फील्डर होता तो मैं कैच जरूर पकड़ लेता, अभी क्या करें, आप हर जगह पे हो नहीं सकते, आप एक ही जगह पे रह सकते हो, तो आपको इसी से चलना होगा। ये एक वाइड गेंद, कुछ एक्स्ट्रा स्विंग कर रहे हैं आज ये तो, जबरदस्त स्विंग करते हुए राज कंबोज, इतना स्विंग हुआ कि वाइड ही चला गया। फिर से एक सती की ओर कर जसप्रीत बुमराह की याद दिला दी इन्होंने। स्कोर 15, 3 ओवर्स 15 पाजी, 3 ओवर्स 15 आफ्टर 4 ओवर्स डेटन डीमन। ओ बीआर लिखा हुआ मैंने कब से। और यहाँ माफी चाहूंगा, माफी चाहेंगे अमनदीप, क्योंकि तब से उन्होंने बीवर क्रिकेट रैप्टर डाला हुआ था, हमारे सभी चाहकों तथा व्यूअर्स से माफी मांगेंगे क्योंकि गलती तो हो गई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा गुजारिश करना चाहूंगा, अगर कोई बंदा कमेंटेटर्स के लिए थोड़ा चाय ले आए तो मजा आ जाए, थोड़ा ठंडी लग रहा है ना, तो चाय मिल जाए तो और भी अच्छा लगे, क्या कहेंगे आप? सोने पे सुहागा, जी हाँ सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर कोई चाय लेके आए। मुस्कुरा रहे हमारे वत्सा, जरा इधर देख के भी मुस्कुरा दीजिए, आपके फैन हैं यार।
साहिल यहाँ पे वसा पटेल लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करने आते हुए इन्होंने अपना बॉलिंग निकाल दिया। अभी फील्डिंग पे ध्यान देंगे, ये बहुत ही अच्छे फील्डर भी है, कैच लपकते या छोड़ते नहीं है। साहिल शाह मेन बॉलर, पहली गेंद सटीक निशाने पे और वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से खेला एक रन के लिए, अरुण रन ले लगे दोबारा। दूसरे गेंद के लिए बढ़ते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से खेला चेतन के द्वारा, एक सिंगल बटोरा वहां से अच्छे तरीके से खेला। यहां से हम अपने व्यूअर्स को पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि डेटन डीमंस कितने स्कोर बनाएगा 12 ओवर के बाद, और जो सही प्रेडिक्शन बताएगा उनके लिए हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा जो कि हम एंड ऑफ द इनिंग्स बताएंगे। तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं कि डेटन डीमंस कितने स्कोर बनाएंगे 12 ओवर के बाद। चलिए व्यूअर्स तो बताएंगे बाद में। हाँ यार क्या बोल के टाइम पे नहीं बोल रहे स्ट्राइक रहा रहे थे यार, ये भी तीसरा ही बॉल हुआ ना, नहीं चौथा होगा डॉट आया शायद। नौ लोग गए अरे यार आप गुस्सा, आपका धाकी इतना है यार, नहीं यार आप गुस्सा, आपका धाक इतना है वत्सा जी। शॉट ऑफ अ लेंथ नाइसली पुल्ड बाय अरुण, दो रन मिस फील्ड, ये क्या देख रहा हूँ, नहीं बचे एक ही बच गए जी हाँ बच गए, रन नहीं चुरा पाए। राठौड़ भाई गर्म हो गए थे यार दोनों, यहाँ पे वसा पटेल भी देखते हुए ये कैसे मिस फील्ड कर दिया, लेकिन कोई नुकसान नहीं, दूसरे रन नहीं ले पाए डेटन डीमंस, यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए था इस मौके का पर नहीं, असंभव। और ये क्या देख रहे हैं कि रन आउट हो गया अरुण डेला, थोड़ा गिर गए थे चेतन ने जब वो शॉट खेला तो गिर गए थे और भाग नहीं पाए और इसी के साथ एक विकेट दे दिया, रन आउट होते हुए अरुण डेला अच्छे टच में नजर आ रहे थे आज, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया इसीलिए उन्हें वापस पवेलियन जाना होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभंजन मिश्रा जो कि आपका पिक रहा है देवांश पटेल, वो क्रीज पे आते हुए क्या कहेंगे आप, कितने स्कोर मारेंगे वो आज। जी देखिए ये 5 ओवर समाप्त हुई है और बहुत काफी टाइम है, 20 पे दो काफी टाइम बाकी है इस गेम में, तो मुझे लग रहा है अगर मिश्रा जी एंड तक खेल गए तो ये स्कोर पहुंचना है 80 के ऊपर। अभी हेमंत पटेल तो डेथ में उनकी जो पावर हिटिंग है, हेमंत भाई है, नीलम, तो मेरे ख्याल सुमित पवास्कर जो कि ओडियन स्मिथ जाने जाते हैं वो भी है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सुमित पवास्कर ओडियन स्मिथ ऑफ डीडी, क्या गजब खेलते हैं वो, जब मारते हैं तो बहुत ही दूर मारते हैं। किसको आउट दिया, सही तो है, नहीं ये आखिरी बॉल डाला इसने अभी, अच्छा जब वो डॉट था जो उसको सही करते डॉट को एडिट कर दे, दो कर दे वो डॉट का, दो कर एक का ना, एक 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 ओवर समाप्त, इस पे दो आए, हाँ 5 ओवर के बाद स्कोर है 22 दो भागे, एक विकेट रन आउट हुआ था ना वो दूसरा। दो भागे ना इसमें, हाँ 22 हो गए। भाई ये क्या हो गया 22 स्मेल, फाइव ओवर्स 22 फॉर 2 एंड द कैप्टन इज बैक इनटू द अटैक, ओह लुक्स लाइक ही ड्रॉप सम, ओह इट्स द बॉल, ओके यहां पे
बैटल देखने को होगा यहाँ पे, यक्षरा थोड़ प्रबंजन मिश्रा, कप्तान वर्सेस कप्तान। जी हाँ, हमेशा बहुत ही एक्साइटिंग बैटल होता है, तो देखते हैं बाजी कौन मारता है आज। जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदाजा है कि ये बहुत ही बड़ा विकेट है। अगर यहाँ पे प्रभंजन मिश्रा को निकाल लेते हैं तो वो डेडन लीमन्स को रोक सकते हैं, पर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। एक रन के लिए प्रभंजन मिश्रा ने अपना खाता खोला यहाँ पे। अच्छी गेंद, 5.123। यहाँ पे थोड़ी सी बहस तो नहीं कहना चाहूंगा, इंक्वायरी कह सकते हैं। कुल भैया समझाई दीजिए। और यहाँ पे रॉनी चैटर्जी ने अपना प्रेडिक्शन बताया 70 से 80 रन। कौन कौन बैठा था? नितिन भाई पर यहाँ पे अंपायर के द्वारा बोला गया है कि फील्डर था जो 5 ओवर के लिए बाहर बैठा हुआ था और ये कोड ऑफ कंडक्ट है। यहाँ पे दूसरी गेंद के लिए पड़ते हुए यहाँ पे डॉट बॉल, अच्छी बॉल, कुछ नहीं कर पाए यहाँ पे चेतन। सिंगल के लिए देख रहे थे पर ये डॉट बॉल। फिर से दर्शकों को बता दे कि कोड ऑफ कंडक्ट कॉल किया गया था कप्तान पे यहाँ पे। अच्छा गेंद, पर यहाँ पे LBW नहीं है तो आपको आउट करार नहीं मिलेगा। अच्छा गेंद यहाँ पे हम देख रहे थे कि तीसरा कमेंट जो आया था संयम गोयल के द्वारा कि मोइन अली स्टिल लेफ्ट, वो इस मोइन अली, ये हम जानना चाहेंगे संयम गोयल के द्वारा, क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं अभी किस चीज के, किस प्लेयर के बारे में बात करें। तो हमें एक और कमेंट डालिए और हम आप इसी चीज को अनाउंस भी करेंगे। फिर से अच्छा बॉल यहाँ पे, एक और डॉट गेंद यहाँ पे। नकुल पटेल की एक दरख्वास्त है नीलम पटेल के लिए, नीलम को बोलो पहले तो खत्म करने दो, क्या तीन 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 चला रहे हो नीलम पटेल। अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो इस कमेंट की तरफ आप थोड़ा देखें और उनसे बात करें, आपके जिगरी दोस्त है वो नकुल पटेल। ओहो, क्या बॉल है, बहुत ही जबरदस्त लाइन लेंथ पकड़ी हुई है यक्ष राठौड़ ने, लगातार तीसरी डॉट। कम ऑन यक्ष, फिनिश इट विद अ बैंग। राज कंबोज यहाँ पे चिल्लाते हुए, एक और डॉट बॉल यक्ष राठौड़, क्या यहाँ पे डॉट करेंगे देखते हैं। जी हाँ, वही, क्या गेंद डाला यहाँ पे, सिर्फ एक ही रन इस ओवर में, 5 डॉट गेंद चेतन के द्वारा यहाँ पे 6 ओवर के बाद डेटन डीमंस 23 2 विकेट के नुकसान पे। अगली ओवर कौन डालेगा, बात करते हुए कि किसे लाना चाहिए, और लग रहा है साहिल ही डालेंगे अपना दूसरा ओवर। 6 ओवर के बाद फिर से याद दिला दे, 23-2 डेटन डीमन। साहिल शाह सतीक यॉर्कर, देयर इज नथिंग एनीवन कैन डू अबाउट दैट डॉट गेंद। दूसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए
करते हैं। Oh, outside off. What a brilliant delivery. Another dot. Batsman hilte hue par bowler line length nahi chhod raha hai. Hilne nahi de raha ye. क्या गेंदबाजी यहाँ पे साहिल शाह के दोबारा पहला ओवर ठीक ठाक रहा पर इस ओवर में क्या वापसी करते हुए तीन लगातार डॉट गए। यहाँ पे मिश्रा के द्वारा दो रन बोला गया है, क्या यहाँ पे ले पाएंगे? जी हाँ, बहुत ही अच्छी रनिंग यहाँ पे, दोनों क्विक है विकेट भागने में, चेतन और प्रभंजन एक ही टीम से खेले हुए हैं तो अंडरस्टैंडिंग काफी है दोनों में, यहाँ पे अच्छे से दो रन बटोरे। पांचवी गेंद आगे बढ़ के सीधा सीधा मार दिया है पर इस बार सिर्फ एक, इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। यहाँ पे तक इस ओवर में तीन रन और तीन बिंदी गेंदें इस ओवर में, क्या लास्ट गेंद बिंदी होगा या सिंगल होगा या बाउंड्री होगा, क्या कहेंगे आप प्रेडिक्ट करें? मुझे तो बिंदी लग रही है जी, देखते हैं अभी। यहाँ पे उप कप्तान फील्ड सेट करते हुए रैप्टर्स के, बढ़िया बढ़िया तरीके से समाप्त किया ओवर, डॉट गेंद। हाँ बिल्कुल सही बोला था आपने, बिंदी गेंद, बिंदी बिंदी, जो ये बिंदी गेंद होती है ना ये आखिर में मुसीबतें लेके आती है। हाँ जी हाँ, यहाँ पे सात ओवर के बाद 26 पे दो डेटन डीमंस, पांच ही ओवर बाकी है, यहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेटर पे पांव रखना होगा प्रभंजन मिश्रा और चेतन को, चेतन जो कि काफी समय से क्रीज पे डटे हुए, थोड़ा इस ओवर में बड़े हिट मारने को देंगे। और देखा जाए यहाँ पे राज कंबोज अपना दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं, क्या ये महंगा साबित हो सकता है बीवर क्रीप रैप्टर्स के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ हो गया था उनके साथ, उस ओवर की याद आ जाती है जब भी हम राज कंबोज को देखते हैं। पहली गेंद ऑन पॉइंट, आज कुछ अलग मिजाज के मूड में लग रहे हैं ये, कि मन मना के आए हैं घर से कि बल्लेबाज को हिलने नहीं दूंगा। ओ बहुत ही बड़ी हीव थी यहां मिश्रा जी की, पर कुछ हुआ नहीं, डॉट गेंद। जबरदस्त फ्लो और रिदम में डाल रहे ये, आगे बढ़ के मारा सिंगल बटोरा। और यहां अगर आपने अमनदीप, ये यॉर्कर की तरफ ही रुख मोड़ रहे हैं आज। जी हाँ, देखा जाए लगता है कल साहिल एकेडमी में गए थे तो यॉर्कर की प्रैक्टिस करके आया, क्या ये साहिल एकेडमी क्या चीज क्या है, काफी बार इन्होंने बात की है उस एकेडमी के बारे में, वहां पे काफी कुछ सीखने को मिलता है इन्हें। जी बात तो कर रहे थे, हमें भी जानना है कि है क्या ये मांजरा, क्या है साहिल एकेडमी, क्या वहां पे आपको सब कुछ सीखने मिलता है? जी हाँ, अगर वहां पे आप ऑफ साइड अच्छा नहीं खेलते तो वो भी आपको सीखने को मिलता है। आज देखेंगे राज कंबोज के द्वारा एक दो शॉट ऑफ साइड पे, क्योंकि वो काफी प्रैक्टिस किया उन्होंने कल। चौथी गेंद पूरा हट गए थे, शायद प्रिडिक्ट कर दिया था चेतन ने कि बॉल यहाँ पे ही आएगी, तो पहले से शफल हो गए, लेग की तरफ फ्लिक किया, सिंगल बटोरा। यहाँ पे दो गेंद बाकी है राज कंबोज के, और मेरे को लगता है कि प्रभंजन मिश्रा ने दूसरे रन के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि वो देख एक या दो बड़े हिट मारना चाहेंगे इस ओवर में, अभी तक रन
नहीं आए इस ओवर में, सिर्फ दो ही रन चार गेंदों में। ओ हो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, यहाँ पे हिलने नहीं दे रहे ये। ईशांत शर्मा की याद दिला देते, ये जो इनका इनस्विंग आता है ना, पूरा ईशांत शर्मा जैसा है यार। जी हाँ, पूरा नेचुरल और एक्शन भी वैसा ही है थोड़ा, अगर देखा जाए बस थोड़ा बाल छोटे हैं। और बहुत ही अच्छा ओवर, देखिए एक ही रन, और यहाँ पे राज कंबोज ने अपना बढ़िया स्पेल खत्म किया। दो ओवर में 5 रन और एक बड़ा विकेट, क्या बॉलिंग यहाँ पे राज कंबोज के द्वारा। स्कोर हो गया 8 ओवर के बाद 29 for 2, डेटन डीमंस 8 ओवर्स 29 for 2। क्या पावर प्ले लेंगे ये है सवाल, क्या रुकेंगे या लेंगे पावर प्ले। अपनी तीसरी ओवर डालने के लिए आइए देखते हैं क्या ये ओवर से शुरू करेंगे स्लॉग करना या फिर और एक ओवर रुकेंगे और पावर प्ले से। मेरे हिसाब से अभी इनको थोड़ा जाना चाहिए बड़े शॉटों के लिए, क्योंकि अभी तक 2 ही विकेट गए हैं और 4 ही ओवर बाकी है, पीछे बहुत बड़े बड़े हिटर अभी भी बाकी है। तो मेरे को लगता है यहाँ के प्रभंजन मिश्रा चांस लेके साहिल शाह के अगेंस्ट एक आधा बाउंड्री जरूर देखने को मिलेगा इस ओवर में। आइए जानते हैं हेलीकॉप्टर इज आउट बट दैट्स अ सिंगल ओनली। Nicely played by Mishra. और यहाँ पे बात कर रहे नहीं, यहाँ तो बैट की अदला बदली हो रही है, यहाँ पे एकदम सुलझी हुई बॉलिंग साहिल शाह द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप, प्रेशर तो है, देखिए। ओ स्क्वायर कट की कोशिश पर कीपर के हाथ में गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला इनको ये गेंद पे। 4 गेंदे और बाकी, देखते हैं क्या होता है। मेक इन प्ले वाइड गेंद सुरजीत पाजी का इशारा वाइड, फ्री के रन, ये हमेशा लेते रहना चाहिए आपको ये फ्री के रन, फ्री चीजें सबको पसंद रहती है। और ये अच्छा शॉट कवर के ऊपर से, यहाँ पे कार्तिक बोनी अच्छा फील्ड एफर्ट, और क्या यहाँ पर चार हो सकता है, लगता है कि हमें अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे, थोड़ा कार्तिक यहाँ पे चेक जरूर करना चाहेंगे अंपायर, शायद यहाँ पे तीसरे अंपायर की जरूरत पड़े, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4 रन है ये। 4 का इशारा कर दिया, 4 का इशारा सुरजीत सिंह के द्वारा, यहाँ पे अच्छा शॉट चेतन ने खेला, जो कि बहुत ही जरूरत थी शॉट की, और बहुत ही अच्छे तरीके से खेला कवर्स के ऊपर पे, यहाँ पे कोई चांस नहीं बोनी जो कि आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं, थोड़ा नर्वस जरूर होंगे वो, पर वो अच्छे फील्डर हैं, अच्छा एफर्ट भी डाला था, पर अच्छा शॉट। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त उठा के मारा था, फिर से मारा पर सिर्फ 1 रन के लिए। आवाज बल्ले से आवाज अच्छी आई नहीं थी, शायद इसी वजह से 1 रन आया। फुल टॉस ओ माय गॉड, दैट्स अ मैसिव हिट
आवाज, बल्ले से आवाज अच्छी आई थी इस बार, इसीलिए मीठी आवाज, एक मीठी मधुर आवाज जो होती है, मधुर आवाज होती है ना, वो जब बल्ले पे आती है उससे पता चल जाता है कि इस बॉल को आप बस तारा बनते हुए देखे, क्योंकि इसको पकड़ नहीं सकते। यहाँ पे वसा पटेल जो कि लेग साइड की तरफ जाते हुए लॉन्ग ऑन ले लिया अपने हाथों में, उन्होंने लगता है कि यहाँ पे सोच रहे कि कैच आएगा। Oh, what a brilliant comeback delivery! चारो खाने चित बल्लेबाज, 22 के 4 रन आते हुए, बड़ा ओवर, 17 रन इस ओवर में, 17 रन आ गए ओवर में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, when will they take the chances? When will they start going full? You know, because only 4 overs were left. Now 3 overs left. This is the time. Yes. जी हाँ, बिल्कुल। 9 ओवर के बाद हुआ 46 में 2। यहाँ पे अंपायर देख रहे हैं कि ले लिया है, और बॉलिंग पे देख रहे हैं कि शायद यहाँ पे यक्ष राठौड़ खुद आएंगे, क्योंकि 9 ओवर हो चुके हैं, अभी 3 ही ओवर बाकी है, उनके 3 खत्म हुए क्या? साहिल शाह ने डाल दिए 3, पर एक और बॉलर है 3 ओवर डाल सकता है, तो 2 बॉलर 3 डाल सकते। जी हाँ, बिल्कुल जी, बढ़िया जी, हम जानते नहीं थे, तो देखते है ये अरविंद बाला कौन आए हैं। बालाचंदर आए हैं बॉलिंग में, शेर चलाते, और यहाँ पे राज भाई दहाड़ते हुए कि 3 ही लोग हो सकते हैं बाहर, क्योंकि समय आ गया है। टेंस मोमेंट, वेरी वेरी ब्रिलियंट मोमेंट, बड़ा मैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है आज, क्रेड पावर प्ले। ये वसा पटेल कभी ऑफ पे आ रहे हैं और लेग पे आ रहे हैं, ये थोड़ा क्या है? यहाँ पे कप्तान इशारा करते हुए वत्सा की तरफ, मुड़ जाओ बच्चे, इट्स टाइम फॉर क्रेड पावर प्ले गाइस। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या लग रहा है आपको इस ओवर में कितने रन आएंगे, 5 के ऊपर, 10 के ऊपर या 15 रन, क्या कहेंगे आप? ओ शॉट ऑफ लेंथ, खराब गेंद जी, मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ डेटन डीमन की तरफ, चौका ही पड़ गया पावर प्ले की पहली ओवर में, बहुत ही अच्छी तरीके से हुक कर दिया है। 50 रन पूरे हो गए, और जी हाँ बिल्कुल, हेमंत पटेल तो खुश होंगे ही, 50 जो हो गए टीम के, हाथ उठा दें एक बार, हाथ उठा लिया है, थैंक यू हेमंत भाई। दूसरी गेंद स्लैश करना चाहते थे ऑफ की तरफ, थोड़ा सा श्रेयस अय्यर जैसा लगा ये मुझे, हटके मारना चाह रहे थे पर गेंद पहले निकल गया, ये श्रेयस अय्यर लगता है उनकी बैटिंग पसंद है इन्हें। जी हाँ, तीसरा गेंद और ये भी बिंदी गेंद, अच्छा बाउंसर, 1 बाउंस का इशारा करते हुए सुरजीत सिंह, पर कॉल आया था, क्या कमबैक किया है उन्होंने, पहली गेंद पे चौका खाया जरूर, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें बिंदी गेंद। Another hit and a miss. Dot wall. I think यहाँ पे सिंगल दे देना चाहिए था मिश्रा जी को, क्या कहना आपका? जी हाँ बिल्कुल, मिश्रा जी जो कि बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, एक बड़ा शक्का जरूर मारा उन्होंने, अगर उनको यहाँ पे वो वही कह रहे, शायद वही बोल के कि सिंगल हमें दे और हमें शक्के मारने दे। यहाँ पे खराब गेंद, शायद ये डेड बॉल का इशारा होगा, मेरे को ऐसा लगा, नो बॉल, हम कंफर्म करना चाहेंगे सुरजीत सिंह के द्वारा, इज इट नो बॉल, डेड बॉल, नो बॉल का इशारा सुरजीत सिंह के द्वारा, फ्री हिट, क्या नहीं है, फ्री हिट नहीं है, सॉरी,
और ये जो सिंगल चुरा, मुझे लग रहा है ये बहुत ही बढ़िया सिंगल चुरा, मुझे लग रहा है ये नोबल के पहले वाला जो बॉल था वहां पे मिश्रा जी जरूर गए थे चेतन के सामने और कहा था कि प्लीज मुझे स्ट्राइक देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, ये आखिरी गेंद ओवर का, 10वें ओवर का आखिरी गेंद, यहाँ पे मिश्रा जी जरूर चाहेंगे कि एक बाउंड्री मारे क्योंकि इस ओवर में ग्रेट पावर प्ले चल रहा था और सिर्फ 6 रन दिए यहाँ पे अरविंद बालाचंद्र ने, 4 गेंदी बिंदी गेंद यहाँ पे आखिरी गेंद के साथ बढ़ते हुए अरविंद बालाचंद्र। बहुत ही अच्छे से खेला, ये थोड़ा ऊपर जरूर गया है लेकिन 2 रन चुराने में सफल होते हुए परमजन मिश्रा और चेतन विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और यहाँ पे रैप्टर्स खुश नहीं नजर आते हुए, यक्षरा थोड़ जो कि अंपायर से सवाल करते हुए कि ये आउट हो सकता था लेकिन सुरजीत सिंह ने नॉट आउट किया। और यहाँ पे इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 54 पे 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर खत्म होते हुए यहाँ पे देखना चाहेंगे कि अभी क्या रणनीति रहेगा डेटन डीमंस का। 2 ही ओवर बाकी है, क्या कहेंगे आप, कितने रन आएंगे? मुझे लग रहा है तकरीबन 20 के करीब आने चाहिए क्योंकि अभी बहुत ही पावर बाकी है। देखिए हालांकि ओवर कम है, पावर हिटर्स बहुत बड़े बड़े और उनके पास एक दाबोड़ी बैट्समैन है जय पटेल, तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ जलवा कर सकते हैं क्योंकि वो रैंप शॉट्स भी अच्छे खेलते हैं, फुल टच में, पूरे टच में। रैप्टर्स फील्ड सजाते हुए 54 10 ओवर। और ये क्या देख, ओ पानी, जी पानी पी रहे हैं, पानी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन, डिहाइड्रेट नहीं होना क्योंकि आज थोड़ी गर्मी भी है और यहाँ पे लोग जान देने को तैयार है फील्ड पे, तो पानी तो बनता है मेरे हिसाब से। जी हाँ बिल्कुल, पानी को कभी भी ना नहीं करना चाहिए, पानी ऐसी चीज है जो आपके बॉडी को काम भी करती, आपकी जो बॉडी है ना उसमें पानी चाहिए चाहिए, अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं है तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। यहाँ पे वत्सा पटेल देख रहे हैं कि काफी टाइम से चीयर अप कर रहे हैं पर एक भी बॉल उनके हाथ में नहीं आया जो कि पहला गेंद, लॉफ्टेड शॉट और ये अच्छे तरीके से खेला, यहाँ पे कैच का चांस जरूर बना था पर बहुत ही मुश्किल कैच, अच्छा एफर्ट डालते हुए चिराग वगैरह, जी हाँ एक रन ले लिया और यहाँ पे स्ट्राइक पे मिश्रा जी। ये बैटल है ना जो अभी मजा आएगा इस बैटल में, 5 बॉल बाकी है, मिश्रा जी यहाँ पे मारने को देखेंगे और यक्ष राठौड़ जो की विकेट लेने को देखेंगे, देखते हैं क्या होता है अगले 5 गेंदों में। जी हाँ यहाँ पे देवांश पटेल से सुनेंगे हम। घुमा के मार दिया इन द गैप फॉर 4, क्रैकिंग शॉट फ्रॉम प्रभाजन मिश्रा। जी हाँ वही, इसी चीज की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे कोई मौका नहीं राज कंबोज के पास बॉल को पकड़ने का, बुलेट की तरह ये गेंद निकला और 1-2 सेकंड में बाउंड्री के पार। यहाँ पे ये अक्षरा थोड़ा सोच रहे हैं कि अगला गेंद कहाँ पे डाला जाए, मिश्रा जी अच्छे टच में, ओहो थोड़ा पीछे बैकफुट पे धकेला लेकिन यहाँ पे देखें मना कर दिया है मिश्रा जी ने सिंगल लेने को, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी ओवर में उनको रन बनाने हैं, यहाँ पे बिंदी गेंद लेकिन स्ट्राइक अभी भी मिश्रा जी के पास, बढ़िया सोच यक्ष द्वारा, आगे बढ़ के मारना चाहते थे, शायद पहले ही देख लिया था यक्ष ने कि बल्लेबाज एडवांस हो रहा है और जबरदस्त वापसी है ये चौका खाने के बाद। 2 गेंद अभी भी बाकी, कुछ भी हो सकता है। पैनल इज आउट लुकिंग फॉर अ 2। बहुत ही नजाकत से खेला है ये और बहुत ही स्मार्ट प्ले, ये क्या कहना चाहेंगे अमन आप? जी हाँ नजाकत,
बहुत ही अच्छे से खेला, देखा कि वहां पे कोई भी फील्डर नहीं है और यहाँ पे दो रन बटोरे आसानी से मिश्रा जी ने यहाँ पे आखिरी गेंद। मेरे को लगता है कि इस बॉल पे वो सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, सिंगल लेके? अत्तरे को छाल की पाजी, नॉट इंटरेस्टेड। 11 ओवर के बाद 61/2 After 11 overs, the score for Dayton Demons is 61/2 61/2 Dayton Demons after 11. Last over, a very crucial over. Let's see who comes to bowl this one. ये आसान नहीं होता, पेनल्टी में जो ओवर होता है आसान नहीं होता बिल्कुल। बतौर डेथ बॉलर आप, आपने तो काफी बॉलिंग की है डेथ में, आप कुछ कहना चाहेंगे डेथ बॉलिंग के बारे में? डालने का पर वसा पटेल गली डाल के आए प्रेशर में, वो भी डेथ में, तीन ओवर लगातार जसप्रीत बुमराह का काम उन्हें दे दिया था कल। देखा जाए और अच्छा गेंदबाजी भी किया और इनका जो खासियत है ना, शायद उसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने इनको डेथ में बॉल सौंपी थी। इनकी खासियत के बारे में बात करें जरा आप। इनकी जबरदस्त खासियत है भाई, इनका जो आप बताइए यार, ये आउटसाइड है जो, और ये चार रन के लिए जाएगा, ये गेंद नहीं, जी हाँ चार रन बटोरे यहाँ पे चेतन ने, बहुत ही लंबे ड्राइव से खड़े हुए डटे हुए क्रीज पे, आउटसाइड एज, लेकिन लकी रन लेंगे यहाँ पे डेटन डीमंस, बहुत ही खुश। यहाँ पे देखें आशीष राय जो कि बहुत ही खुश नजर आ रहे हुए टहलते हुए फील्ड में, जी हाँ मैं भी टहलना चाहूंगा ऐसी बैटिंग देख के, शाबाश शाबाश चेतन जी, अंबुजा सीमेंट जैसे डटे हुए ये तो। पहली गेंद से आए हुए थे, काफी थक चुके होंगे और ये तो गेंदबाजी भी करते ऊपर से, कैसा फुल टॉस उठा के मारा है एक रन। मुझे नहीं लगता है दे विल लाइक टू टेक ऑन द आर्म ऑफ उर्वेश पटेल, व्हाट डू यू सजेस्ट? No way, man. यहाँ पे दूसरा रन लेना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि मिश्रा जी को स्ट्राइक चाहिए, यहाँ पे चार ही गेंद बाकी है और यहाँ पे अगर चार गेंदों में दो तीन बाउंड्री मिल गया तो अच्छा स्कोर हो जाएगा डेटन डीमंस का। यहाँ पे यक्ष राठौर थोड़ा समझाते हुए बॉलर को कि आपको कहाँ डालना चाहिए, यहाँ पे राज कंबोज बोलते हैं चार डॉट गेंद डालें, क्या ये संभव है? जी ये डेड बॉल का इशारा, डेड बॉल का इशारा, जी हाँ अभी भी चार गेंदे बाकी हैं, थोड़ा नाराज लग रहे हैं बॉलर पर जो अंपायर का फैसला है आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा, नाराज नहीं हो सकते आप यहाँ पे अंपायर के साथ। जी हाँ आप डालते रहिए यहाँ पे मोहित यादव थोड़ा आते हुए कुछ बताते हुए अपने अंपायर मेन अंपायर सुरजीत सिंह को, यहाँ पे शायद कोई प्रॉब्लम आया उन्हें। और ये देखिए जो टीम की बात कर रहे थे ना, टीम प्लेयर जो होता है, ये देखिए अपने जेला पटेल पानी लाते हुए, जानते हैं कि बल्लेबाज शायद थक गए होंगे दिन में, तो क्या जबरदस्त, अनरियल। ओके जी हाँ ये दिन में तो बहुत पानी पीते हैं, रात को जूस की तरफ काफी रुख मोड़ लेते हैं ये जय पटेल, जूस के काफी चाहवान हैं ये, क्योंकि क्रैम्प्स आ जाते हैं ना यार, तो थोड़ा जूस पीना पड़ता है रात को। और यहाँ पे अपने राज कुछ बोलते हुए तब से खड़े हैं डीप मिड विकेट, देखिए अब तो थक भी गए उधर खड़े रह रहे के, घुटनों पे झुकते हुए राज कंबोज, देखते नहीं ऐसे, हमने ऐसे कभी देखा नहीं, क्योंकि फिटनेस की बात आती है तो पहला नाम राज कंबोज ही आता है दिमाग में, पर लगता है थक गए, ज्यादा ही शिकार कर दिया इन्होंने।
हाँ अभी भी इनके दो गेम बाकी है, तो थोड़ा इनको संभल के खेलना होगा कि ज्यादा ये थके ना, क्योंकि बहुत ही मेन खिलाड़ी हैं ये बीवर क्रीक रैप्टर्स के। यहाँ पे घुटनों पे देखिए, यहाँ पे टीम भी और देखिए, यहाँ पे बैट भी रहे हैं, तो ये अच्छी अच्छी खबर नहीं है यहाँ पे बीवर क्रीक रैप्टर्स और डेडन ड्रैगन्स के लिए, जो कि यहाँ पे यहाँ से खेल के ये डेडन ड्रैगन्स के लिए खेलने जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोई प्रॉब्लम आता हुआ, ओह नॉट अ डेड बॉल, यहाँ पे रिव्यू लिया था डेड बॉल का, यहाँ पे डेड बॉल नहीं है ये, डॉट बिंदी गेंद। और एक डॉट गेंद, और एक डॉट गेंद। और रिव्यू की बात करें तो ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन रहा बीवर क्रीक रैप्टर का। क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ी दो लाइनें इसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, जब अरविंद ने गेंद डाला और उन्होंने देखा कि अंपायर ने डेड बॉल दिया, उन्हें साथ ही रिव्यू ले लिया था। और यहाँ पे बड़ा हिट और वत्सा पटेल अंडर द बॉल, क्या ये नो नो मैन्स लैंड, और उर्वेश पटेल का थ्रो बहुत ही अच्छा थ्रो, लेकिन मिश्रा जी उससे भी तेज कीमती रन अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे फिर से अपना स्ट्राइक अपने पास रखते हुए मिश्रा जी आखिरी गेंद इनिंग का, देखते हैं क्या करते हैं मिश्रा जी। नो ओवर थ्रो बोलते हुए, नो ओवर थ्रो बोलते हुए रैप्टर्स वाले। आखिरी गेंद उठा के फिर से मार दिया, बट इन अ नो मैन्स लैंड दे आर गोइंग फॉर द सेकंड एंड दे हैव अचीव्ड द सेकंड रन। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट फिनिश, दैट्स अ गुड स्कोर, 70 फॉर 2। दे हैव स्कोर्ड 70 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 12 ओवर्स। द टारगेट फॉर बीवर क्रीक रैप्टर्स इज 71, बट आई डू नॉट थिंक दे शुड बी कंसर्न्ड, बिकॉज they have the orange cap holder in Raj Kamboj, who's in sensational touch. If he stays on the crease for 5-6 overs, I think it's very much achievable. Yes, yes, you are right, Mr. Devansh Patel. Raj Kamboj यहाँ पे तेजी से आगे को बढ़ती हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि बल्ला लेके उनको क्रीज पे वापस आना है। जैसे कि आपने बात की, अगर वो 4-5 ओवर के लिए खड़े डटे रहते हैं क्रीज पे, तो ये कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा बीवर क्रीक रैप्टर्स के लिए। पर यहाँ पे हम नजरअंदाज बॉलिंग को भी नहीं करेंगे, डेडन डीमस का जो गेंदबाजी रहा है अभी तक बहुत ही ब्रिलियंट। अभी उनके पास ऐसे बॉलर है जो अभी तक यूज भी नहीं हुए, इतना तगड़ा गेंदबाजी है उनका। जी हाँ, अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे कॉमेंटेटर्स, 12 ओवर हो चुके हैं, दूसरी इनिंग में वापस आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं हमारे चाहक, हमारे व्यूअर्स सभी को मजा आया हो हमारी कमेंट्री में। यहाँ पे अनाउंस कर दीजिए, रॉनी चैटर्जी ने सही प्रेडिक्ट किया था। रॉनी चैटर्जी, अ बिग शाउट आउट टू यू, शाउट आउट टू यू फॉर प्रेडिक्टिंग द राइट स्कोर बिटवीन 70-80। यू आर राइट माय फ्रेंड। जी हाँ, साहिल का इंटरव्यू ले ले। हाँ, जैसा कि हमने देखा डेटन नीमंस ने 70 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान में 12 ओवर के बाद। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे थोड़ा साहिल शाह के साथ, जो कि 3 ओवर डाल के आते हुए, 3 ओवर डाले हुए इन्होंने, हम इनसे थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे कि वहां पे पिच पे ऐसा कैसा रहा, कैसी गेंदबाजी रही, कैसे कंडीशन थे। जी हाँ, यहाँ पे साहिल शाह हमारे साथ। पीछे पीछे, इधर इधर साहिल, इधर आ, पीछे पीछे, पाछड़ 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 और पीछे पाछड़, जूम इन कम कर लो थोड़ा, जूम कम कर लो। हाँ जी हाँ साहिल शाह, आपका स्वागत है हमारी कमेंट्री में। आप गेंदबाजी करके आए, कैसे कंडीशन थे, और आपको क्या लगता है कि ये अच्छा स्कोर, क्या आप ये आपकी टीम ये स्कोर बना पाएगी, क्या लगता है आपको? हमारा
हमारे पास लाइक तीन चार प्लेयर है जो मैच विनिंग है लेके जा सकते हैं स्कोर. हम लोग ने लाइक हमारा टारगेट था कि 70 के अंदर रोकना है उनको, हमने वो किया है. लेट्स सी हमारे लाइक जो है तीन चार प्लेयर के ऊपर है लाइक दे आर मैच विनिंग आई सेड बिफोर. एंड हवा थोड़ा अगेंस्ट है लेग साइड पे मारना लाइक हेलो या तो थोड़ा लाइक एडवांटेज नहीं है हमारे उनके लिए बैट्समैन के लिए. सो लेट्स सी हाउ इट वाज. उनके पास भी अच्छी बॉलिंग है सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट एंड let's see how it works. के दिमाग में क्या चल रहा था? As a left arm bowler, मैं तो ऑफ साइड पर ही जाऊंगा, बट चेतन ऑफ साइड के बहुत ही अच्छे प्लेयर है. उन्होंने मुझे लाइक अच्छे से रीड किया एंड लाइक जो दो बाउंड्रीज मारे आई वुड से लाइक इट वॉज गुड थिंग. एंड बस थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लुक हो गया मोर रन्स इन दैट, बट टीम ने बाद में अच्छे से बैट किया. वी वेल रिस्ट्रिक्टेड देम अंडर 70, सो अच्छा रहा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. गुड लक टू यू. यहाँ नहीं है शायद कुछ. ये कह रहा था कि इंटरनेट नहीं है, यू कैन स्टिल कंटिन्यू स्कोरिंग. कौन कुछ बोल रहा था इधर ये फोन में ऐसा ही क्या? बट स्कोरिंग तो हो गया पर बढ़िया है ना. ठीक है. कुछ बीच बीच में ना इंटरमिटेंट हवा के कारण ना इट इज लाइक अभी स्टार्ट सेकेंड इनिंग्स करने का. मैं इसमें लिख दे रहा हूँ हाउ मेनी रन्स एंड हाउ मेनी बॉल्स, उसमें से चेक करते हैं. हेलो आता है ना? नहीं बोले थे पर सुने नहीं ना. वो उधर चिल्ला ही रहे थे, चिल्ला ही जा रहे थे, उधर सुना ही नहीं. कही जाओ. Okay guys, we are ready with the second inning. Dayton Demons is on the field trying to set their field up. I'm passing on the mic to my commentator Devansh Patel. Thank you, Paji. Dayton Demons in the huddle. I'm sure they are setting something up. The Raptors, we see Raj Kambole and Naveen Chandra. Naveen? Yeah. Second innings about to start, so please stay tuned for all the excitement. We promise you it is going to be an exciting competition. Naveen Chandra on strike. Raj Kamboj on non-strike. यहाँ पे की बहुत ही खास मित्र है आपस में बात करते हुए. शायद जे पटेल कह रहे होंगे आज का आपकी विकेट मैंने लेनी है. अभी भी बात चलती हुई जे पटेल अब
अपना हाथ घुमाते हुए, जी हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, शायद शुरुआत ही वही कर रहे हैं बॉलिंग से। तगड़ा बॉलर, तगड़ा। हाँ लग रहा है, लग रहा है जे पटेल ही करेंगे शुरुआत। ओहो, और यहाँ पे अपने लेग अंपायर को दे दिया है हाई फाइव। मोहित यादव, ओ हंसते हुए, हंसते हुए जय पटेल, हंसते हुए। अगर इनका दिन चल गया तो बल्लेबाज रहेगा और ये हंसते ही रह जाएंगे फिर। अरे वो कैसे, ये देखिए वार्म अप कर रहे हैं। ओहो बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी, ये मुझे तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी लग रही जय पटेल। कमिंग लेफ्ट आर्म अराउंड, टारगेट कितने का, 71 चंदर, टारगेट 71 ना, हां 71। किधर गया यार, स्लिप जमाई हुई है जे पटेल के लिए क्योंकि ये टर्न कराते हैं बॉल। पहली गेंद नहीं, डॉट गेंद, बिंदी बिंदी। जी हाँ, इनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, आपको समझ के खेलना होगा। अगर आपने इनको खेलना है आपको बहुत ही आराम से देखना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा फिर रिस्क ले। अगर आप पहले से रिस्क लेंगे तो आप अपना विकेट खो सकते हैं। हो यहाँ पे एक और बिंदी गेंद, सटीक लाइन लेंथ है यहाँ पे जय पटेल के द्वारा, कोई अंदाजा नहीं कहां पे बॉल आ रहा है, कहां से जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे जय पटेल की। फिर से बल्लेबाज लॉक करने की कोशिश में, पर ये बहुत ही कनिंग बॉलर है ये जय पटेल। मानो नहीं आज, नहीं मानो। बढ़िया शुरुआत यहाँ पे, बहुत ही खुश नजर आते हुए प्रभंजन मिश्रा और हेमंत पटेल और नीलम बॉलर और नीलम पटेल यहाँ पे ऑरेंज कैप पहने हुए यहाँ पे बता दूं जय पटेल को कि आप वहां पे जाएं फील्ड के लिए। आपने अच्छा ओवर निकाला पर अभी आप बैक टू फील्ड हो जाएं। यहाँ पे देखेंगे कि अरविंद गोयल जो कि पिछले साल मियामीजबर्ग ब्लास्टर के साथ ना, जो बहुत ही बढ़िया रहता है। और देखेंगे यहाँ पे राज कंबोज जो कि अच्छे टच में है, वो ऑन स्ट्राइक आगे हैं। देखेंगे क्या करते हैं वो, क्या लगता है आपको कि वो थोड़ा देख के खेलेंगे या पहले ही बॉल से मारना चाहेंगे? जी देखिए जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस है इनका और रन देखे तो इनके 192 रन है, तो मुझे तो लग रहा है ही इज द फुल मॉन्टी टू गो एट इट। लेट्स फाइंड आउट। अरविंद गोयल टू राज कंबोज, डॉट, लगातार सातवीं डॉट ये बीवर क्रीक रैप्टर की। Nicely flicked from Raj Kamboj for his first run, and that's a single. एक रन लेके नौ स्ट्राइक पे जाते हुए बहुत ही अच्छा काम राज कंबोज के द्वारा। थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप ऑफ द मार्क हो जाते हो ना, वो कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नवीन, क्या दूसरे बल्लेबाज है जो नवीन चंदर अभी तक स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। 7 गेंदें खेल चुके हैं पर अभी तक खाता नहीं खोल पाए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे टेटन डीमस के द्वारा।
ब्यूटीफुल टॉस, सीधा विकेट, विकेट फुल टॉस पे विकेट ले लिए, वाह। यहाँ पे आसान से गेंद को बाहर नहीं फेंक पाए और सीधा चेतन के हाथों में। ये अच्छे फील्डर, ये ऐसा कैच नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही सिंपल सा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा बल्लेबाज, यहाँ पे वन डाउन, अरविंद बालाचंद्र आते हुए। अच्छे बैट्समैन है ये, संभल के खेलते हैं, बुरी गेंदों को मारेंगे, अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट देंगे। यहीं पे, यहाँ पे उसी चीज की जरूरत, क्योंकि दूसरे एंड पे जो खड़े है ना राज कंबोज, वो एक ही ओवर में गेम का रुख बदल सकते हैं, जैसा कि हमने उनको ऑलरेडी देखा है, दो तीन गेमों में अच्छा बैटिंग किया था उन्होंने। और ये पूरा क्रेडिट जाता है साहिल अकेडमी को। अगर आप हमें सुन रहे हैं साहिल, तो अ बिग शाउट आउट टू यू, शाउट आउट टू यू, बिकॉज आपकी अकेडमी का जलवा है ये। नाइसली प्लेड। मेरे को यहाँ पे लगा कि मिश्रा जी शायद थोड़ा कमेंट्री करते हुए यहाँ पे कैच आ रहा है, शायद उनको लगा भी कि शायद वो कमेंट्री बॉक्स में है। अच्छा गेंद यहाँ पे, डॉट और यहाँ पे डेड बॉल का इशारा सुरजीत सिंह के द्वारा। अभी तक खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे डेटा डीमंस के द्वारा, एक ही रन दिया है और ये दूसरा ओवर खत्म होते आ रहा है। एक और डेड बॉल, एक और डेड बॉल। सटीक यॉर्कर, अरविंद गोयल बहुत ठिकाने में डाला यहाँ पे। एक और ओवर खत्म, दो ओवर के बाद बीवर क्रीक रैप्टर्स एक विकेट के नुकसान पे सिर्फ एक रन। वापस जयला पटेल, वापस आते हुए जयला पटेल अगेंस्ट राज कंबोज, बैटल टू वॉच आउट। अगर आप सब लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये बैटल जरूर देखे, इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे जय पटेल पहले ही गेंद लेके जाते हुए राज कंबोज को देखेंगे क्या करते हैं। राज कंबोज अगर यहाँ पे विकेट ले लेते हैं तो यहाँ पे बीवर क्रीक रैप्टर्स पूरी तरह से बैकफुट पे हो जाएंगे। फॉर रियल अ बैटल टू वॉच। सम्मान देते हुए, सम्मान, जी हाँ, फिर से डॉट गेंद जे पटेल। ओ वेट किया था स्मार्ट क्रिकेट, दो रन के लिए राज कंबोज द्वारा। क्रेडिट टू साहिल अकेडमी फॉर मेकिंग हिम सो स्ट्रॉन्ग ऑन दी ऑफ साइड। थैंक यू सर, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू। स्लॉट में गेंद और उठा के मार दिया छेरा, ये नहीं छोड़ते। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ रिपा। जी हाँ, इसे तो फॉर्म कहते हैं ना, बेझिझक यहाँ पे इस बॉल को खेल दिया, कोई डर नहीं, उनको पता है कि अगर बल्ले में Nicely played. उन्हें पता है कि रन आ चुके इस ओवर में, अभी कोई रिस्क नहीं लेंगे राज कंबोज, संभल के खेलते हुए। Another dot ball. No. They stole a single. Good running. यहाँ पे तीन ओवर खत्म होते हुए। नहीं, एक गेंद और बाकी। ओहो, स्पोर्ट्समैन फेयर प्ले, सही है। जे पटेल आखिरी गेंद इनके ओवर का, देखते हैं क्या करते हैं।
ये ऑलमोस्ट लपक लिया था अहमद पटेल ने, बहुत ही अच्छे फील्डर है, काफी लंबे भी है, थोड़ा चूके, थोड़ा लगता है कि जंप थोड़ा लेट किया, अदरवाइज इनके हाथ में जब गेंद लगता है ना ये इसे आसानी से छोड़ते नहीं है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 11 एक विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभंजन मिश्रा, मिश्रा के हाथ में गेंद, आज डेरन डीमंस मिस करेंगे अपने मेन बॉलर को मानव पटेल, जो कि आज यहाँ पे नहीं है, उनको थोड़ा काम था, बिजी थे, इसीलिए देख रहे हैं कि मिश्रा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अच्छा ये अच्छा इशारा डेरन डीमंस का, मिश्रा जी आए हैं, बॉल उनकी हाथों में है, आइए देखते हैं। ये अरसा हो गया मुझे तो इनकी बॉलिंग देखते हुए, आंखें तरस गई थी। रन अप चुके, नहीं ये तो बेली गिर गई थी, माफ कीजिएगा जी। हाँ सुरजीत पाजी, थैंक यू। ओहो मिश्रा जी यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं। रफ्तार उमरान मलिक की याद आ गई, उमरान मलिक जैसी रफ्तार स्टंप्स को एम किया है। जी हाँ उनकी याद आ गई हमें, उमरान मलिक की, देखिए कैसे डाला रफ्तार के साथ सीधा घुटनों पे। ऐसी बॉल को छोड़ेंगे नहीं राज कपूर। ओए शेरा, कैच शॉट शेरा, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर। दहाड़ रहे ये तो, बहुत ही जबरदस्त दहाड़ रहे। फिर से फुल टॉस, ऑफ साइड की तरफ मार दिया है, टुवर्ड्स लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल, नाइसली स्टॉप बाय फील्डर नीलम पटेल, कमिंग बैक। वाइड बॉल, मुफ्त के रन, जी हाँ मुफ्त के रन तो स्वीकार नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। ओह एमिंग द बॉडी नाउ, अच्छा लपका जय पटेल ने। दो गेंद और बाकी इस ओवर में, राज कंबोज स्ट्राइक पे, ऑलमोस्ट ही चॉप्ड इट ऑन टू हिज द स्टंप्स। अच्छी वापसी यहां पे प्रभंजन मिश्रा के द्वारा, एक गेंद बाकी है यहाँ पे मिश्रा की, देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ करते हैं, अगर विकेट लेते हैं तो बहुत ही खुश होगी डेटन डीमंस की टीम। जी हाँ आखिरी गेंद के साथ पड़ते हुए मिश्रा, सटीक यॉर्कर, चेतन आते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, चार ओवर के बाद 20 for 1, 20 रन में एक विकेट, अच्छा स्कोर, नॉट अच्छा स्टार्ट कहूंगा यहाँ पे दोनों ही टीम के द्वारा। अभी ये जो मिडल फेस है ना, इसी से हमें थोड़ा पता चलेगा कि मैच किसकी तरफ जा रहा है। ये जो आगे के तीन ओवर है ना, ये बहुत ही जरूरी दोनों टीम के लिए। जी हाँ हमने बहुत बार देखा ये मिडल की जो ओवर्स होती है बहुत क्रूशियल होती है और मैच उसी में फंसता ही है।
आइए चेक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हमारे साथी अमन चेक कर रहे हैं विंड को। शेर ने भी चेक किया थी राज। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा, शेर चेक कर रहे थे, राज चेक कर रहे थे। देख स्कोर मारने को देखेंगे वो, उन्होंने देख लिया है कि हवा किस तरफ है तो वही एरिया टारगेट करेंगे, और जिस तरह के फॉर्म में मोर देन एनीवन एल्स वाज एन इट अमन डिड राज कंबोज। जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ $100 में बिके, इतने बड़े बल्लेबाज है ये। ये देखिए वाइड से शुरुआत चेतन की, यहाँ पे वसा पटेल का की तरफ आते हुए थोड़ा हाथ में रखते बिस्किट पकड़े हुए हैं, थोड़ा कॉफी मिलता तो और भी मजा आता। धन्यवाद आपका वसा भाई, लाओ यार पानी पिलाओ हमें। जी हाँ अच्छा गेंद यहाँ पे, टिंदी गेंद चेतन के द्वारा, यही चाहिए डेटन नीमस को अगले तीन ओवर में अगर 10-11 पिंदी गेंद डालते हैं तो रैप्टर्स जरूर कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखेंगे। अच्छा एंगल है, एक ही रह गया इधर पांच के सारे, यहाँ बहुत जबरदस्त एंगल। हो देखिए आप अच्छा गेंद, राज का बोझ मुश्किलों में नजर आते हुए यहाँ पे दो गंदी गेंद, यहाँ पे लग एक समय के लिए गदा बाहर निकल गई थी, सोच रहे थे मारने के लिए। ओ ललचाया बहुत ही जबरदस्त गेंद, स्लोअर वन, फंस गए बल्लेबाज, और यहाँ पे अपने हेमंत भाई कहते हुए योर विकेट Let's find out. आगे बढ़ के मार दिया है, बहुत ही लंबा छक्का। Oh my God! नजाकत स्मार्टली सिंगल चुराना चाहते थे, दैट इज टेक्स्टबुक क्रिकेट टू मी, अ ब्रेक शॉट फॉलोड बाय अ सिंगल। कमेंटेटर प्रॉब्लम में आते हुए गिर रहा है, और यहाँ पे कमेंटेटर्स को खतरा है हवा का, हवा इतनी तेज होगी, इतनी हवा तेज है। ओ विकेट हो सकता है, पास कर चुका है, बहुत ही बेहतरीन पारी, 22 रन बनाए थे, बड़ा विकेट। सुमित पवास्कर ने कैच पकड़ा, सही छोड़ते नहीं है ऐसे, अभी एक शेर गया दूसरा शेर आ रहा है। देखिए ये रैप्टर्स की ब्यूटी है, एक शेर जाता है तो दूसरा आ ही जाता है। अवर वेरी ओन उर्वेश, जी हाँ उर्वेश पटेल यहाँ पे आते हुए क्रीज पे, ओवर चेंज हो गया, बड़ा विकेट यहाँ पे राज कंबोज का, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, थोड़ा जल्दबाजी करके रन आ चुके थे उस ओवर में, जरूरत नहीं था, पर कहीं ना कहीं जो वो प्रेशर है ना, छह के ऊपर जब आपका रन रेट जाता है ना तो आप हमेशा बड़े शॉटों के लिए जाते हैं, और उसी के चक्कर में राज कंबोज ने अपना विकेट खोया। जी हाँ यहाँ पे देखते हो मिश्रा जी अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए, वाइड का इशारा सुरजीत सिंह के द्वारा,
स्कोर हुआ है 5 ओवर के बाद 28 पे 2 विकेट। अरविंद बालाचंद्र और उर्वेश पटेल यहाँ पे क्रीज पे मौजूद है। अगर कोई हमारे दर्शक आ रहे हैं ग्राउंड पे तो दरख्वास्त है उड़वाना लेके आना, बहुत ठंड लग रही है। जी हाँ, यहाँ पे कब से दरख्वास्त किया था, चाहेगा भी अभी तक आई नहीं है, उस चीज पे थोड़ा ध्यान नहीं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर। वाइड गेंद को कट करने के लिए ये बहुत ही शातिर स्ट्रेटेजी मिश्रा जी की, राउंड दी विकेट आते हुए, और कहीं ना कहीं मुश्किल होगी जरूर बल्लेबाज को, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट एंगल हो जाता है फिर ऊपर से बॉलर इतना तेज। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये जो ऑरेंज कैप डाली हुई है जिन्होंने, नीलम पटेल, इनके पास जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करते रहते हैं अपने बॉलर्स के साथ। ये देखिए, जैसे हमने बात की, अपनी बॉलर की तरफ गए और उन्हें बताते हुए कि कहाँ पे डाले और कहाँ पे फील्डर रखे अपना, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना ये हमेशा ही काम आता है। जी हाँ, बहुत क्रिकेट खेली है इन्होंने, बहुत ही ज्यादा क्रिकेट, बहुत ही स्मार्ट है। फुल टॉस गैप में सिर्फ एक रन, सिर्फ व्हाट अ थ्रो, एक रन, व्हाट अ थ्रो फ्रॉम चेतन। सात व्यूअर है, नौ थे, दो कम हो गए। अरे सभी लोग इधर आ गए ना अभी। जी हाँ, उर्वेश पटेल यहाँ पे अपना पहला गेंद फेस करेंगे, और सामने है रफ्तार के किंग प्रभंजन मिश्रा। ओ हो, देखिए सटीक यॉर्कर, और अच्छे से खेला यहाँ पे उर्वेश पटेल ने। उन्हें पता है कि उनको एक दो खराब गेंद मिलेंगे तो उसको जरूर मारेंगे वो। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सुमित पवास्कर जो कि लेग स्लिप की तरफ खड़े हुए हैं, वो गेंदे बाकी अभी भी। आशीष राय ऊपर खड़े हुए यहाँ पे कैचिंग पोजीशन में, तीन चार लोग ऊपर ही, और अच्छे से खेला यहाँ पे। यॉर्क किया था उर्वेश पटेल को, बट सिंगल के लिए खेला, मिड विकेट की तरफ एक रन का इजाफा बीवर क्रीक रैप्टर्स को। 5.5 गेंदों में 30 पे 2 विकेट, अच्छा चल रहा है दोनों ही टीम्स का अभी तक। आखिरी गेंद के साल पड़ते हुए प्रभंजन मिश्रा, और वेटिंग का कॉल और डॉट बॉल, ओवर समाप्त। जय पटेल 6 ओवर के बाद 30 पर 2 आ रहा है शायद ओवर में। और ये क्या देख रहे हैं हम, वापस आ गए जेला पटेल, तीसरा ओवर लेके अपना क्या कुछ मैजिक क्रिएट कर पाएंगे। 6 ओवर्स 30 रन्स। यार कमेंट्स कहां से निकलेंगे तेरे को पता है, गायब हो गया यार, कुछ दबा मेरे से निकल नहीं रहा अभी, हाइड नहीं कर रहा, चेक आएगा ना, पता क्या चला गया शो अभी कहीं ब्रेक गया वो कार में। हां ये रहा, हां ये सीधे पॉइंट पे साफ लोग, जी बॉलर ये लग रहा है रोक दिया जय पटेल को, बुलाया जरूर था पर फिर रोक दिया, शायद बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये नया बॉलर दूसरा है अविनाश एन आए है बॉलिंग में, उर्वेश पटेल स्ट्राइक पे। फोर्टी वन रन स्टिल टू विन फॉर रैप्टर्स। शेम है
6 overs 41 more required विकेट चाहिए यहां पे और यहां पे कप्तान लाइन लेंथ पकड़ने की दरख्वास्त करते हुए घुमा के मार दिया है 6 रन पहले से ही प्रिडिक्ट किया हुआ था लाइन लेंथ को हट गए थे जबरदस्त शॉट ये उर्विष पटेल द्वारा जी हाँ लेग स्टंप पे फेंका और ये बड़ा सिक्स बहुत ही जेब डेल ने जब बल्ले से निकला ना वो जो जेब डेल ने पहले ही इशारा कर दिया था कि 6 रन है मैं तो सिर्फ इसको उठाने जाऊंगा कैच नहीं पकड़ूंगा सब लोगों ने देखा यहाँ पे वसा पटेल भी हंस रहे क्योंकि उन्होंने भी ये चीज नोटिस की थी 6 रन था लिखा हुआ था बॉल पे कि ये 6 रन है आप बेल मुझे मार वाली बात हो रही और ये क्या देख रहा हूँ मैं जेला पटेल तो अभी वापस आए ये कहाँ चला गया था दूसरी बिल्डिंग में 112 मीटर का छक्का ये और यहाँ पे एक और खड़ा ओ सेम शॉट को रिपीट कर रहा है जहाँ और वहां पे विकेट दे दिया उर्विश पटेल ने ओ मैन रन आ गए थे खराब गेम जरूर था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में दे दिया और यहाँ पे मोहित यादव इशारा करते हुए अंपायर को शायद ये फर्स्ट बाउंस हो बट डजंट मैटर ये बड़ा मछली पकड़ा है डेटन डीमंस ने लुक एट हेमंत पटेल लुक एट प्रभंजन मिश्रा सब लोग इतना खुश नजर आ रहे हैं बड़ी बात ही वो जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा विकेट है डेटन डीमंस के लिए यहाँ पे हितिन व्यास आ गए हैं बैटिंग में स्ट्राइक लेंगे और ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी लगी जिस तरह से फील्ड सजाया था कि वापस से वही बॉल डालिए बल्लेबाज शायद दे दे कैच अभी तो कॉन्फिडेंस में भी होंगे बॉलर इतना बड़ा विकेट जो चटकाया है जी हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है ये थोड़ा बीवर क्रीप रैप्टर्स का खेमा थोड़ा खुश नहीं नजर आ रहे वो थोड़ा शांत बैठे हुए हैं पर अभी उनके पास विकेट्स है यक्ष राठौड़ जो कि लग रहा है कि हमें तैयारी में है बड़े शॉट मार लेते हैं वो भी लगता है कि वो ही आएंगे अगली बार अगला बैट्समैन जी हाँ हमें भी वही लग रहा है कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी आज तो शायद नाइसली डिफेंडेड डॉट बॉल घमासान डिलीवरी ऑलमोस्ट सर फोड़ दिया जी हाँ बचे यहाँ पे बचे अग्रेसिव सोच के साथ उतरे अविनाश एन सरा बॉलिंग कर रहे अभी तक एक शक्का जरूर खाया लेकिन गजब गेंदबाजी और यहाँ पे एज और जाना होगा दूसरा विकेट ये अविनाश के लिए हितिन व्यास जो कि बिना खाता खोले हुए वापस पवेलियन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे अगला बैट्समैन देखना होगा कौन आ रहे हैं सुमित पवास्कर एक और कैच पकड़ा इन्होंने बहुत ही अच्छे फील्डर है ये देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नीलेश चावड़ा आगे को बढ़ते हुए बल्लेबाज के लिए यहाँ पे थोड़ा एक दो ओवर और देखना पड़ेगा रैप्टर्स को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा और आखिरी के 3-4 ओवर्स में अपने टारगेट के पीछे जाएं क्या कहेंगे आप जी संभालना तो पड़ेगा किसी को 3-4 ओवर और फिर आखिरी दो ओवर में स्लॉग करना पड़ेगा जिस तरह से हम देख रहे हैं मैच को पता नहीं अलग अलग टीमों की अलग अलग रणनीति होती है देखते हैं इनकी क्या रणनीति है अभी बड़े हिटर्स में तो दो ही जन बाकी
थॉड और वत्सा पटेल। वत्सा पटेल वापस जाते हुए पवेलियन की तरफ शायद बैटिंग आए, शायद हाँ लग रहा है, लग रहा कर दिया कप्तान ने कि आप आ जाए, आ जाए शी। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है डेटन डीमंस द्वारा। कि एक समय पे लगा था जब राज बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगा ये तो आराम से चेज करने वाले, पर जैसे ही वो आउट हुए दो तीन विकेट और चली गई है तो मैच फंसा है। जैसा कि हमने कहा था मिडल ओवर्स में ही फंसता है मैच। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने दिमाग पे देव, यही तो मजा है ना मैच का। चुका ये मैच 6.5 बॉल हुए हैं और 36 पे 4 विकेट खो दिए बीवर ग्रीन क्रैप्टर्स ने। अभी बीवर को 35 रन चाहिए। एक रन के साथ इस ओवर की समाप्ति 37 पे 4 7 ओवर के बाद। यहां पे आई वुड लाइक टू आस्क माय व्यूअर्स to put the comments down and tell us who is going to win this match. Give your suggestions. जी फिर से दरख्वास्त करूंगा अगर कोई व्यूअर्स आ रहे हैं ग्राउंड पे तो थोड़ा ओढ़वा ना लेके आना क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है अभी। नीलम पटेल आ गए हैं बॉलिंग पे और पहली बार देखेंगे हम इस डीपीएल में। पीछे हमारे पास एक दर्शक भी मौजूद, उधर गाड़ी से भी देख रहे लोग। यहाँ पे जो व्यू है ना इंग्लैंड वाली की, यहाँ पे जी मुझे तो लग रहा है मैं बतौर लॉर्ड्स में ही बैठा हूँ जी। नीलम पटेल पहली दफा आते हुए इस साल, सभी सटीक डिलीवरी यहाँ पे बल्लेबाज समझ नहीं पाए। डॉट गेंद है, बिंदी गेंद जैसे कि हमारे, और यहाँ पे नाखुश, यहाँ पे नाखुश नीलम भाई, लग रहा है पसंद नहीं आया उनको फील्ड कॉल। जबरदस्त बॉलिंग डाल रहे नीलम भाई, सीधा मार दिया और ये पहली सफलता नीलम पटेल की इस डीपीएल में। यहाँ पे मुश्किल का सामना करते हो, यहाँ पे ओनर आ रहे हैं नितिन पावा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और यहाँ पे हमारे डियर पाजी आ गए हैं बैटिंग में, बहुत जिम्मेदारी इनके कंधों पे आज। ये भी बड़े बड़े छक्के मार लेते हैं, ये जाने जाते हैं बड़े बड़े छक्कों के लिए। अगर कहीं दो तीन मार दिए आज तो मैच फंसेगा, दो तीन पहली दो मैं तो कहता हूँ पाजी। शेर बहुत ही जबरदस्त ओवर जा रहा है सो फार, तीन गेंदे डाल चुके हैं, एक चटका चुके हैं। यहाँ पे दरख्वास्त करते हुए नीलम भाई हरी आप शायद ओवर रेट बढ़ाना चाहते हैं, शायद रन रेट माफ कीजिएगा ओवर रेट की। अत्री कुछाल जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं नीलम भाई, चार गेंद एक सफलता एक भी रन नहीं। Another slog from Nitin Pawa Paji.
मेडल विकेट And another wicket, double wicket made it from Neelam Bhai. What a brilliant over. कप्तान खुद आ गए हैं बैटिंग करने और यहाँ पे उप कप्तान भी आ रहे हैं, शायद कुछ समझाने आए हैं। हालांकि जो भी है वो तो मैच हुआ के बाद पता ना चले ना जाएगा ना। कैच विकेट कीपर ने लिया था ना? जी हाँ बिल्कुल। कैच विकेट कीपर कौन? जी हाँ बिल्कुल। विकेट कीपर कौन सी पूछी? चौबीस बॉलों में 34 रन की दरकार है अभी भी लीवर क्रिक रैप्टर्स को। 24 बॉल्स 34 रन टू विन। लेट्स फाइंड आउट, स्टे ट्यून्ड फॉर एक्साइटमेंट। जी हाँ बिल्कुल, 24 गुड बॉल्स एंड 34 रन्स रिक्वायर्ड। अभी जय पटेल का एक और ओवर बाकी है, वो मन में जरूर रहेगा रैप्टर्स के। जी हाँ, यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले का इशारा सुरजीत सिंह, देख रहे हैं कि यहाँ पे अविनाश एन को वापस बुलाया है। पहला ओवर बहुत ही अच्छा डाला उन्होंने, पहले गेंद पे सिक्स जरूर खाया पर उसके बाद पांच लगातार बिंदी गेंदे और दो सफलताएं, बड़ी सफलताएं अविनाश के लिए। दूसरा ओवर लेके आएंगे यहाँ पे। लाइन पे रहेंगे, रन अप नहीं आए यहाँ पे अविनाश जी का। और ये क्या, वाइड वाइड। जी हाँ बिल्कुल, ये तो ज्यादा ही उछली थी गेंद, सर के ऊपर से निकला था, तो वाइड का इशारा दे दिया है अपने मोहित यादव ने, फिर अपने मेन अंपायर सुरजीत बाजी ने इशारा कर दिया वाइड। उठा के मारा है पर ये सिर्फ एक रन है। पहली वाइड थी ना, बढ़िया रन चुराया यहाँ पे ऑफ द स्ट्राइक इन हिज वेरी फर्स्ट बॉल। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन मिड ऑन की तरफ मारा, मिश्रा जी ने उठा दिया, सिर्फ एक रन। तीन गेंदे और बाकी इस ओवर की, देखते हैं एडवांटेज उठाते हैं कि नहीं रैप्टर्स। कप्तान बड़े शॉट मारेंगे सो इस बॉल गेंद पे। यहाँ पे शायद उम्मीद कर रहे थे कप्तान की वाइड मिल जाए पर ऐसे नहीं मिलता। द लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। फिर
फिर से मारने की कोशिश पर सीधा कीपर के हाथ में बॉल। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, नीलम भाई तो बिना ग्लव्स के कीपिंग कर रहे। पहली बार देखा डीपीएल में कोई ऐसा, पहली बार देखने को मिल रहा है मैं डीपीएल में। अलग ही इनका स्वैग है नीलम भाई का। और अनदर डॉट, थ्री डॉट्स टू फिनिश द ओवर ऑफ 18। जी हाँ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अभी 18 गेंदों में 30 रन की दरख्वास्त, 30 रन चाहिए अभी 18 गेंदों में। यहाँ पे एक दो बड़े हिट जरूर चाहिए इस ओवर में, क्योंकि जो लक्ष्य है ना वो काफी हाथ से फिसलता हुआ बीवर ग्रीन रैप्टर्स के। तीन रन, तीन ओवर में अभी 30 रन चाहिए। और यहाँ मेरे हिसाब से इन्होंने जो चीज मिस की ना, एक ही बंदे को मिस किया, वो है संयम गोयल द बिग हिटर, जो कि अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या ये दूसरा मैच खेल रहे हैं। वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स मिस्टर संयम गोयल। थैंक यू अमन चहल। खेलेंगे हम सेकंड मैच, उम्मीद है जीतेंगे भी। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है मेरे दोस्त। ये मैच भी जीत जाएंगे, that's the right spirit my boy। कौन जीतेगा? और यहाँ पे 30 रन, जी हाँ 18 गेंदों में 30 रन की दरख्वास्त। हेमंत पटेल जो कि शॉर्ट कवर्स पे खड़े हुए हैं, अभी तक बहुत ही अच्छा फील्डिंग है। यहाँ पे नीलम पटेल देख रहे हैं हम, वो अच्छे से फील्ड सेटअप कर रहे हैं, ऑफ साइड पे खेल रहे हैं। क्या नाम यार इनका, भूल गया, आशीष राय को। अच्छे फिल्टर हैं ये, ऐसे कैच लपकते हैं जो कोई लपकता नहीं है। क्या लगता है कौन जीतेगा ये वाला मैच? अभी तो रोमांचक रोमांचक मोड पे है ये मुकाबला। वापस से आए हैं अरविंद गोयल, ये मारेंगे 6 की 6 और कर, जो कि सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है इस साल डीपीएल के। सारी बॉल आएगी लाइन पे, लाइन पे। ओ, आगे बढ़ के मारने की कोशिश, अंपायर अनइंटरेस्टेड। क्या रिव्यू लेंगे? ले लिया। ओ, रिव्यू ले लिया है मिश्रा जी ने। ओ, अभी तो मना कर रहे, नहीं लिया है, नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था, फिर शायद नहीं लिया। जी हाँ नीलम भाई, आप यहाँ पे नीलम भाई अरविंद गोयल कैडो पे हाथ रख के। ओ नो बॉल, ओ छक्का, नो बॉल छक्का, छे 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 छे, नो बॉल छे, हम जाते जरा टाइम लगा। अरे छक्के का नो बॉल ना था, क्या हुआ नीलम भाई, क्या कह रहे हैं? नीलम भाई कह रहे हैं कि घुटने से मार रहा है। नीलम भाई क्या हुआ, नो बॉल तो नहीं है ना? पाजी से कंफर्म कर ले एक बार। नहीं है, नहीं ना। अभी 15 गेंदों में 24 रन चाहिए, 4 बड़ी हिट, 4। क्या लगा पाएंगे? अरे ओ, आ गई थी खेमा में गेंद, पर मिस कर गए। बिल्कुल पट्टे में था ये गेंद, और अरविंद अपने आप से ना खुश, उन्हें पता था ये पट्टे में गेंद था, अगर बैट से कनेक्शन होता तो डेफिनेटली बाहर ही जाने वाला था। यहाँ पे चौथा गेंद लेके आएंगे, नहीं पांचवा गेंद ओवर का। सिंगल चुराया, ओए
सिंगल चुरा लिया। आखिरी गेंद बाकी, रोमांचक मुकाबला, 13-23 की दरख्वास्त। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मायमिसबर्ग ब्लास्टर्स के काफी प्लेयर्स आ चुके हैं। I think they are ready to blast today. Mayamisberg Blasters. और ये बोल्ड बोल्ड ब्लॉक हॉल में गेंद, ये तो यॉर्कर भी नहीं थी, ये तो ब्लॉक हॉल में थी गेंद, कुछ नहीं कर पाए कप्तान साहब। जाना होगा पवेलियन, इनको जाना पड़ेगा। द लॉन्ग वॉक दे से द लॉन्ग वॉक बैक। देख रहे हो व्हाट्सएप पटेल, और आ गए हैं वत्सा पटेल। ये भी भाई मार सकते हैं, इनके खेमा में गेंद आई तो। जी हाँ, बीसीसी शराबीज में खेलते हैं ये, हमने इन्हें कई बार देखा है, बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं ये भी। अगर पट्टे में मिला ये बाहर जरूर फेंकेंगे गेंद को बाउंड्री के। दो ओवर में 23 रन की दरख्वास्त अभी भी बाकी। Beaver Creek Raptors. Let's see who wins the battle, who wins the game. But whatever happens, my dear friend, at the end of the day, cricket is the ultimate winner. Okay? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा लाइन था किसी हमारे मुख्य दोस्त थे हैं, एक उनका नाम नहीं बताएंगे, पर उनकी लाइन है ना ये जो हमारे दिल पे लगी थी, आप क्या कहेंगे? बहुत ही करीबी दोस्त है वो हमारे, और उन्होंने हमें यही सिखाया, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज द अल्टीमेट विनर। मिश्रा जी आप गए वापस। ओ आग निकल रही है, आग आग, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी है मिश्रा जी की। मुझे लग रहा है तकरीबन 150 की आसपास जरूर रही होगी वो डिलीवरी। फिर से फुल टॉस मार दिया है फील्डर के हाथ में, यहां पे बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। लगता है ये मैच भी खत्म, मैच मैच फंसा, मैच फंस गया अविनाश। और दूसरा प्रकाश, इसने बोलिंग ही नहीं किया प्रकाश जायसवाल ने, नए बल्लेबाज कार्तिक बोनी। क्या जबरदस्त। दो विकेट बाकी है, बह बाकी, 8 wickets down, 48 runs, 8 wickets down। से तेजी से आते हुए अपनी पोजीशन पे अपने नीलम भाई, दो विकेट बाकी। नाइसली स्टॉप and well fielded from the fielder Arun Dandela. Still a single though. Abhi bhi 22 run chahiye. Abhi bhi 22 run baki. Gende reh gayi hai na. Oh, no ball. Aur ye to no ball. Ji ha, no ball. Ji ha, no ball, no ball. Free hit. फ्री हिट का टाइम आ गया है दोस्तों। स्ट्राइक पे है वत्स। बहुत ही जबरदस्त रोमांचक बनता हुआ मैच। एक्स्ट्रा पेस के लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पेस के चक्कर में फंस गए मिश्रा जी यहाँ पे। गति आग उगलते हुए लाइक दिस स्पीड किल्स, आई रिपीट स्पीड किल्स,
And that's what we are seeing here. Because that's his skill. Slower one, bhai ka run mil jayega. Run churaya. Ji haan, badiya understanding in dono ke beech. Lambai kehte hue very good. Gavaskar. Ek gend. Last. Ji haan, ek gend abhi bhi baki. यहाँ पे बड़ा हिट चाहिए होगा क्योंकि अभी भी 20 रन की दरखास्त सात गेंदों में। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रन मिश्रा जी ने दिया है और यहाँ पे देखो कि सिंगल भी चुरा लिया है कीपर ने। और यहाँ पे एक और रन, अरे ये क्या मुफ्त के तीन रन दे दिए यहाँ पे डेटन डीमंस ने। ये ना खुश पूरी टीम, हेमंत पटेल जो कि सीनियर खिलाड़ी और ओनर ऑफ द टीम ना खुश अपनी टीम से। खराब फील्डिंग। और अभी भी सदमे में लग रहे सुमित भाई क्योंकि उन्होंने ही शायद थ्रो मारा था। सॉरी कह रहे हैं टीम से मिश्रा जी, तो बहुत ही ना खुश। जस्ट वाइड, ओके, यस यस सर, विल टेक केयर ऑफ दैट। जस्ट वाइड ना, एक ही रन, जस्ट वन। 19 चाहिए, सात बॉल। Advancing, the dancing shoes were on, but nothing happened as it's a dot ball. जी हाँ, यहाँ पे 6 गेंदों में 19 रन चाहिए अभी भी। 19 runs required in 6 balls. जी हाँ, यहाँ पे चेतन मैन ऑफ द मैच भी कह सकते हैं हम इनको। बहुत ही उमदा विकेट जो इनफो बैट्स में राज कंबोज का विकेट लिया ना इन्होंने, वहीं से मैच चेंज हो गया था। क्या कहेंगे देवांश पटेल आप यहाँ पे मुस्कुराते हुए। जी हाँ जी, आई कैन नॉट अग्री लेस विथ यू माय डियर फ्रेंड, बिकॉज ही स्टूड लाइक अ वॉल, ही स्टूड लाइक अ वॉल टुडे, एंकरिंग द इनिंग्स वेरी वेल एंड देन टू कम इनटू द अटैक and take the wicket of Raj Kamboj. It's a big achievement. Avinash aaya hai. So the last over belongs to Avinash. 19 still required. Field is still being set. First ball, single. Looking for two. Can this be a run out? No. Vatsai is a super fast runner. 17 now required from 5. लगता है बड़ा हिट आएगा इसपे। We want to see a couple of big hits. Let's see. मिश्रा जी बोलते हुए। और फंस गए, रन आउट। अभी आ रहे हैं आखिरी बल्लेबाज साहिल शाह। वन मोर विकेट रिक्वायर्ड फॉर द 17 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम 4 बॉल्स फॉर द रैप्टर्स टू सील द गेम। बाजी कौन मारेगा आइए देखते हैं। जी हाँ, अभी तो मैं कहूंगा कि डेटन लीमस ने ये मैच पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है। अनलेस यहाँ पे हम 2-3 बड़े सिक्स देखें साहिल शाह या हमारे वेरी ओन वत्सा पटेल, पर मेरे को लगता है अभी बहुत देरी हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? Yeah, I think it's a bit too late now, but let's find out. वाइड नहीं, वाइड
वाइड डिलीवरी, वाइड बॉल। मिश्रा जी कहते हुए चलेगा चलेगा चलेगा। जी हाँ, क्यों नहीं चलेगा। घुमा के मार दिया है साहिल ने, चार ये तो शायद चौका ही है। चौका, चौका, चौका। तीन में बारह, तीन में बारह। वाह वाह वाह, wow wow wow, like they say it's never over until it's over. 12 run chahiye teen gendon mein, yahan pe 12 required in 3. Let's see who's the winner. Muskurate hain mam, ispar blast sabhi log idhar dekh rahe hain, ispar gol hai. फिर से मारा साहिल ने, इट्स फॉर टू, यस एंड दे विल गेट टू इजी। अभी 10 चाहिए दो गेंदों में, 10 रिक्वायर्ड ऑफ टू नाउ। दो बड़ी हिट्स और गेम ओवर। क्या साहिल शाह ये कर पाएंगे? क्या तेवाते आ जैसा पे नहीं, क्या ये राहुल तेवातिया की याद दिलाएंगे? कैन ही बी द राहुल तेवातिया फॉर बी आर टुडे? लेट्स सी। नहीं नहीं नहीं, इनिंग्स खत्म, ऑल आउट। जीत गया है इधर डेटन डीमन। बाय 9 रन्स, डेटन डीमन्स विंस द गेम बाय 9 रन्स। हैप्पी कौन होगा? चौका मारा था ना उसने साहिशा। अविनाश टॉप पे, अविनाश टॉप पे। हाँ अविनाश, Avinash N is the player of the match. Avinash N is our player of the match. मैं चल लिया, रेडी हो जा फिर। हाँ जा, खेल ला, जा। रेडी। अरे ये पॉइंट्स टेबल कैसे जाना है? हो गया, खत्म कर दिया? हाँ, खत्म तो हो गया। So after this game, the points table looks like this. Fairborn Flickers number 1 with 11.5 points. Number 2 Dayton Demons with 10.5 points. Number 3 Centerville Indians with 8 points. Number 4 Beaver Creek Raptors with 7 points. Number 5 Miamisburg Blasters with 4 points. And number 6 Riverside Romeos with 4 points. So Miamisburg Blasters will be playing now Beaver Creek Raptors, staying at 4-5. Very important match for Blasters. They need to win here. They need to win here to stay in contentions for the knockout stages. Now at this point, at our commentary box, we have one of the players from Dayton Demons. And Devu is going to interview him. So we have Neelam Bhai here with us. We'd like to ask him how. First of all, congratulations on the win. Thank you. Exceptional bowling from the whole unit. What would you like to say about it? What was the strategy? Particularly, what was the strategy to get Urvish out? Honestly, I said the Urvish wicket was luck. Normally, the fielder has never been there. But the previous ball he hit the six, and the six was so far away. So the fielder take the time to come, and he was tired and just stay there.
and luckily the balls can travel over there. So, and bowling, yeah, we just strategy was that only keep dot ball, wickets come automatically. That's it, and our bowlers did a really good job. So, congratulate all the teams. Thank you. Thank you, Neelam bhai. Okay, and this is where we end this particular telecast. Please join back with the new link where we will be playing Beaver Creek Raptors. They have a second match today, doubleheader, playing with Miamisburg Blasters. Blasters need a win, so it will be an exciting contest. Stay tuned, guys. Thank you.